जी सर सर जय नमस्कार उसने yes, मुझे यू ही कहा था चांद और मैं रात बार आईना देखता रहा कुछ कुछ yes, मामला ऐसा ही है तमाम लोगों का वेलकम स्वागत आभार है और एक बार मैं चाहता हूं बड़े जानदार शानदार जोशीली आवाज में विनीत सर ने प्रोग्राम को स्टार्ट किया है तो एक बार जोरदार ताली बनती है उनका स्वागत करेंगे वेलकम स्वागत बहुत बढ़िया विनीत सर हमें आप पे गर्व है राधे श्याम सर दिखाई दे रहे हैं फिल्मों में हीरो जैसे दिखता है उस तरह से दिखाई दे रहे हैं सर, वेलकम सर वेलकम सर सर से बाहर निकल निकल जाओ गए दिन के लगातार कंटिन्यू टूर पर थैंक थैंक यू यू सभी लोगों का स्वागत है आभार है वेलकम है नए साल के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं परमात्मा करे इस साल आपके सारे जीवन के सपने पूरे हो आप स्वस्थ रहें आप आनंदित रहें आप मस्त रहें और जीवन में वो सब हासिल करें जो आपकी तमन्ना और तैयारी है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनका स्वागत है इस डिजिटल पे आपका स्वागत, बहुत पे आज हम बातचीत करने वाले हैं और जिस टीम से मैं बात कर रहा हूँ ये टीम मेरे दिल के बड़ी करीब है और मुझे गर्व है हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल मजबूत और जानदार टीम के साथ मैं बात कर रहा हूँ कुछ महत्वपूर्ण चीजों पे हम बातचीत करेंगे थोड़ा सा कुछ चीजें आपके साथ अपडेट करना चाहता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी लोग हमारे साथ जो इन जो सीनियर्स आती है वो वीडियो ऑन करके जरूर रखिए डायरी पेन लेके बैठिए मोबाइल को कभी भी ऐसा सीधा मत वो रखिए सर ऐसा रखिए ताकि आपकी फोटो पूरी दिखाई देगी सर अच्छी तरह से ऐसे की जगह ऐसा कर लेंगे तो आपकी फोटो अच्छी दिखेगी सब लोगों को आपका चेहरा साफ दिखेगा रेंज वाली जगह पे बैठे एकांत में बैठे डायरी पेन लेके बैठे आज कुछ महत्वपूर्ण चीजों पे हम बातचीत करने वाले हैं कि क्या है आरसीएम क्यों करना चाहिए हमें किस तरह से ये बिजनेस बड़े लेवल पे जाएगा आपका इसमें क्या रोल हो सकता है किस तरह से हम बड़ी ऊंचाई पे जाएंगे इन सारे विषयों पे चर्चा करेंगे मैं बहुत सारे लोगों को देख पा रहा हूँ विनीत सर है प्रिंस सर हमारे बीच में है विथा जी हमारे बीच में है बहुत सारे लोगों ने नाम ठीक से नहीं लिख रखा किसी ने एक दो तीन लिख रखा है अब पता नहीं है उनका नाम है या लिखना ही नहीं आता तो जितने भी नए मेहमान हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं उन तमाम मेहमानों का स्वागत है बहुत सारे दीदी लोगों को मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट हमारे बीच में है तमाम लोगों का जिनका ड्रीम है सपना है और जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं और आज किस वेबिनार में आए हैं मेरा वादा है सर अगले चालीस पचास मिनट में आपसे बातचीत करने वाला हूँ एकांत में बैठ के इस मीटिंग को सुनिए और उस पर काम करिए सर ये दो में आपके जीवन को बदल सकता है बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत आभार मेरा नाम महावीर सारन है राजस्थान की धरती से बिलोंग करता हूँ और पिछले 22 साल का मैं स्टूडेंट हूँ आरसीएम बिजनेस का इसको मैं सीख रहा हूँ आरसीएम ने मेरी लाइफ को 180 डिग्री के एंगल से बदला है ढाई हजार की प्राइवेट मेरी नौकरी थी जब मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया मेरे पापा की शान है पुराने जमाने के आठ क्लास पढ़े लिखे हैं मम्मी मेरी बिल्कुल अनपढ़ है परिवार में चार सिस्टर और तीन ब्रदर सात भाई बहन के परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ बाईस साल का मैं स्टूडेंट हूँ लगातार मैं सीख रहा हूँ और आज आरसीएम बिजनेस में फाउंडर सफायर के लेवल पे हूँ और महीने की इनकम सात लाख से दस लाख के बीच में आती है पिछले 22 सालों में आरसीएम ने बहुत कुछ मेरे को दिया है सर हम दो भाई मिलकर आरसीएम बिजनेस को कर रहे हैं और आज लगभग लगभग 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकम मेरी फैमिली में आरसीएम बिजनेस दे चुका है मैं अभी पिंक सिटी जयपुर में हूँ और मैं जिस मकान में हूँ करोड़ों रुपए की ये प्रॉपर्टी है मेरे दो बच्चे हैं जो जयपुर के नंबर वन स्कूल में पढ़ते हैं और आरसीएम बिजनेस से पिछले सात आठ साल से मैं एकदम लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ इस बिजनेस ने मेरी लाइफ को एकदम वन डिग्री के एंगल से बदला है सर ये क्या बिजनेस है इसमें कौन कामयाब हो सकता है किस तरह की कामयाबी मिलती है हमें किस तरह से काम करना चाहिए इन सारी चीजों पर हम बातचीत करने वाले हैं सर तो शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं सर जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं ना ये इन्फिनिटी का बिजनेस है सर इन्फिनिटी किसको कहते हैं इन्फिनिटी कहते हैं जिसका कोई 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 छोर नहीं हो सर असीमित जहां तक अभी तक तो कोई पहुंचा नहीं हो सर जिसका अंतिम छोर आज तक किसी ने देखा नहीं है सर उसको कहते हैं इन्फिनिटी जिस तरह से एक प्याज को हम छीलते हैं ना सर उसको छीलेंगे तो एक छिलके के बाद दूसरा क्या आएगा विनिस भाई छिलका आएगा दूसरा दूसरा आएगा आएगा सर दूसरा छिलका आएगा। अच्छा उसको छीलेंगे फिर क्या आएगा तीसरा आएगा फिर पांच आएगा फिर पांचवा आएगा फिर छठा आएगा, आएगा छीलते जाएंगे ना तो लास्ट में भी एक छिलका रहेगा सर जी। और अगर प्याज को और ग्रो करने का मौका मिलेगा तो एक छिलका और डेवलप हो जाएगा सर इसका मतलब सर डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यापार है सर इस व्यापार में जो आदमी जिस लेवल तक पहुंचा है ना उस लेवल तक की बात करता है उसने जो महसूस किया जितना उसने पाया है मैं जो बातचीत कर रहा हूं ना सर मैं उतना ही बता सकता हूं जितना 22 सालों में आरसी बिजनेस ने मुझे दिया है मैंने जो अनुभव किया है मेरी लाइफ को इसने जो ट्रांसफॉर्म किया है मेरे जीवन में जो अचीवमेंट दिया है चाहे वो पैसा है प्यार है मान सम्मान है दौलत है शोहरत है घूमने फिरने का मौका है या मेरे छोटे छोटे जो ड्रीम थे मैं वही बता सकता हूं जो मैंने महसूस किया है ये उसी तरह से है जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं ना इसमें अत दौलत है सर पैसा प्यार नाम दाम दौलत इतनी है सर ये अभी अस्तित्व में आए हुए उसको लगभग नब्बे से बानवे साल हुए हैं सर पिचानवे साल पहले डायरेक्ट सेलिंग अस्तित्व में आया था और आज भी जो लोग इसके गेनर हैं वो जहां तक पहुंचे हैं वहां तक बता रहे हैं और हर साल उनका अचीवमेंट बढ़ रहा है हर साल उनकी गाड़ियां बढ़ रही है हर साल उनका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है हर साल उनका वर्ल्ड में नाम बढ़ रहा है उनकी किताबें बिक रही है उनकी स्टोरियां बिक रही है सर तो सर आज हम जो चर्चा करने वाले हैं ना बाईस साल में जो मेरे को दिया है मैं उतनी ही चर्चा करूंगा थोड़ा सा और बताना चाहता हूं सर, अगर आपका लाइफ में ड्रीम है ना कि मैं आप कोई हाउस वाइफ हो सकती है कोई नौकरी वाला हो सकता है कोई खेती वाला दुकानदार व्यापारी स्टूडेंट किसान मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर ये जो बिजनेस है ना जो आप अपने धंधे से प्राप्त करते हो उससे हजार नहीं कई हजार गुना ज्यादा कैपेसिटी रखने वाला ये ये व्यापार और प्लेटफॉर्म है सर जहां पे न केवल पैसा नहीं आप जो चीज चाहोगे प्यार रिकॉग्जेशन पहचान गाड़ी घोड़े देश विदेश की यात्रा है ना मनी फ्रीडम फाइनेंशियल सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, रिगार्ड रिकॉग्नेशन इतना मिलेगा दामन छोटा रह जाएगा बीस बच्चे थे सर जिन्होंने जिंदगी में कभी हाथी को नहीं देखा और एक अंधेरे कमरे में लाइटें बंद करके हाथी था उसमें बीस बच्चों को अंदर घुसाया और उनको आप टच करके आओ बाहर आके बताओ हाथी कैसा है अब बीस बच्चे अंदर गए उन्होंने हाथी को टच किया किसी ने पेड़ को टच किया किसी ने सूंढ को टच किया किसी ने पेट को टच किया जिसने पेड़ को छुआ वो बाहर आके बोल रहा है ये गोल गोल है किसी ने पेट को छुआ वो वाक्य बोल रहा है ये फुटबॉल की तरह बहुत बड़ा है किसी ने सूंढ को छुआ उसने कहा ये तो पाइप की तरह है सर किसी ने पूछ को छुआ उसने कहा सर ये तो झाड़ू की तरह है सर अच्छा वो बीस बच्चे आके अलग अलग बात बोल रहे हैं तो जो बाहर खड़े हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे सर अच्छा क्या लगता है वो बीस बच्चे सच बोल रहे हैं के या झूठ बोल रहे हैं सर 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 सच सच बोल 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 रहे 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 हैं 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 पर अपने एंगल से बोल रहे हैं, सर। वो सच बोल रहे हैं, सर। जो उन्होंने महसूस किया वही बात बता रहे हैं मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ सर ये जो बिजनेस है ना ये इन्फिनिटी का बिजनेस है सर जब आप इसमें एंट्री करते हो ना इस उद्देश्य के साथ आप एंट्री करते हो कि सर कुछ मिल जाएगा थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी तो दाल के साथ हमारा सलाद की व्यवस्था हो जाएगी कुछ पैसा मिल जाएगा कुछ गाड़ी घोड़ा लेकिन ये बिजनेस आपको इतना देता है सर आपका जीवन बदल देता है सर मेरा जीवन इस बिजनेस ने पिछले बाईस सालों में बदला है सर. मैं गांव का रहने वाला हूं सर साइकिल से आरसीएम शुरू किया आज मेरी फैमिली चौदह गाड़ियां मेंटेन करती है सर मैं पिंक सिटी जयपुर में रहता हूं मेरे बच्चे जयपुर के अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं सर स्विट्जरलैंड सिंगापुर दुबई मुझे घूमने का मौका मिला फाइव स्टार होटलों में मुझे जाने का मौका मिलता है और ये एक तरह की पैसिव इनकम जनरेट करता है सर पैसिव इनकम का मतलब आप नहीं भी रहोगे ना तब भी ये इनकम आपको देता रहेगा सर एक डॉक्टर है उसकी इनकम दो लाख रुपए है और एक आरशिम का टेक्निकल अचीवर है उसकी इनकम दो लाख रुपए है सामान्य भाषा में देखेंगे तो दोनों बराबर लगेगा लेकिन सर दोनों बराबर नहीं रात और दिन का अंतर है सर एक डॉक्टर को इनकम तब तक आएगी जब तक वो हॉस्पिटल जाएगा ऑपरेट करेगा सर अगर वो अगले एक महीने नहीं जाए ना सर तो उसकी इनकम नहीं आएगी लेकिन आरसीएम बिजनेस के टेक्निकल की इनकम लाइफ टाइम आएगी सर अच्छा डॉक्टर अगर दुनिया से चला जाएगा तो उसके बच्चे को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा सर लेकिन आरसीएम करते हुए अगर आपने नेटवर्क बिल्ड कर दिया और आप दुनिया से चले गए तो आपकी कहानी लोग रवि शर्मा के रूप में सुनेंगे सर आपके बच्चे की कहानियों को लोग आइडियल मानेंगे पचास लाख रुपए महीने की इनकम आएगी ये इस तरह का व्यापार है सर इन्फिनी का बिजनेस है सर जहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर एक कहानी सुनाता हूँ अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसा सवाल भी करते होंगे विनीत सर रोजाना जो मीटिंग करने का क्या फायदा है मीटिंग में आने से क्या होता है एक शिष्य था वो शिष्य गुरु की सभा में जाता था गुरु राम नाम के चर्चा करते थे तो वो शिष्य जाता जाता बोर हो गया प्रिंस भाई की तरह उसने कहा गुरुजी रोज रोज बुला लेते हो मेरे पे कुछ हो तो नहीं रहा है मुझे कुछ भगवान दिख तो नहीं रहे हैं मुझे रोज क्यों बुलाते हो मुझे तो नहीं लगता कोई फायदा हो रहा है तो तो समझ गए बड़े बेचे नहीं है है उन्होंने कहा कहा बेटा तू क्या करता उसने कुछ नहीं सर मैं एक खादान में काम करता हूँ कोयले की खादान में कोयला सर पे उठा के बाहर लाके डालता हूँ ये मेरा काम है मुझे रोजगार मिलता है तो गुरु ने बच्चे को सिखाने के लिए कहा कि बेटा कल तुम अपना दिमाग मत लगाना जिस टोकरी में तुम कोयला लाते हो ना बाहर उस टोकरी में कल जल भर के लाना मेरे को लाके दिखाना हार मत मानना कोशिश करना फिर मैं बताऊंगा क्या फायदा है नुकसान है तो वो बच्चा दूसरे दिन गया टोकरी में पानी भर रहा है तो टोकरी के नीचे तो छेद होते हैं पानी निकल जाता है वो फिर डबो रहा है फिर छेद से निकल जाता है फिर कर रहा है वो बार बार कोशिश कर रहा है वो पसीना पसीना हो गया और लगभग एक घंटे बाद गुरु के पास आके बोलता है गुरु जी पानी आया ही नहीं मैं फिर फेल हो गया मैंने कहा था ना जीवन में कुछ नहीं मिल रहा तो गुरु ने उससे पूछा क्या लगता है तुम्हें कुछ सफलता मिली उसने कहा नहीं सर टोटली फेल सर कुछ सफलता नहीं मिली पानी आया ही नहीं टोकरी में तो गुरु ने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं है टोकरी में पानी नहीं आया अच्छी बात है लेकिन तुम फेल नहीं हुए हो तुम जिस टोकरी में कोयला लाके डालते थे ना वो कोयले से काली हो गई थी उसका रंग काला ब्लैक हो गया था लेकिन जब तुम पानी के लिए उसमें पानी डालने के लिए जब उसको बार बार पानी में डाल रहे थे निकाल रहे थे ना तो उस टोकरी को देखो क्या उसका रंग वैसा ही है या बदल गया उसने कहा गुरुजी बदल गया उसमें टोकरी ने कोई प्रयास किया क्या उसने कहा नहीं तो नहीं नहीं वो नहीं किया सर मैं बार बार उसको निकाल रहा था गुरु ने कहा बस यही है जीवन का सार सर। आपको लगता है कोई परिवर्तन नहीं हो रहा लेकिन बहुत परिवर्तन हो, हो रहा सर और मैं ये आपको बताना चाहता हूं सर महावीर सहारन आरसीएम से पहले और आरसीएम के बाद सर रात और दिन का अंतर है सर जब मैं आरसीएम बिजनेस में आया था ढाई हजार रुपए की मैं मैं नौकरी करता था सर और मुझे पता ही नहीं चला सर इन, पिछले बाईस सालों में मेरे में क्या बदलाव आया सर मेरी कितनी स्किल बढ़ी मेरा कितना नॉलेज बढ़ा मेरी कितनी योग्यता बढ़ी मेरा कितनी आदतें बदली मेरा कितना व्यवहार बदला मुझे पता ही नहीं चला सर इस, इस यात्रा में शामिल होने से मेरी कितनी चीजों में बदलाव आया है और एक्चुअल में ये बदलाव ही कामयाबी है सर ये स्किल ही कामयाबी है सर अगर आपको लगता है ना कि बार बार नौकरी में आने में कुछ नहीं होता बार बार जूम पे सर बहुत फर्क पड़ रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा आप में कब बदलाव आ गया कामयाबी का कब बीज आ गया कब विचार डेवलप हो गया कब आपकी आदतों में सुधार आ गया कब आपके व्यवहार में बदलाव आ गया कब लोग आपको रोल मॉडल मानने आपको पता ही नहीं चलेगा जब आप पीछे घूम के अपनी यात्रा देखोगे ना तब आपको पता चलेगा यार कितना बदलाव मुझे में आ गया सर ये एक प्रोसेस है कामयाबी का सर आप रेगुलर आते रहिए सर आप में बदलाव आएगा देखिए मैं एक एग्जाम्पल और देना चाहता हूँ जब एक आम आदमी सेना में भर्ती होता है ना तो वो एकदम निठल्ला होता है विनी सर सर बिल्कुल आलसी होता है उसके अंदर कोई देश प्रेम नहीं होता है उसके अंदर कोई जज्बा नहीं होता है लेकिन जैसे ही वो सेना में भर्ती होता है वो सेना के रूटीन में शामिल हो जाता है नॉर्मल लाइफ में वो सेव नहीं करता वो पेस्ट नहीं करता वो दस बजे नहाता लेकिन सेना में भर्ती होते ही वो रूटीन में आ जाता है वो सुबह जल्दी उठने लग जाता है वो वो सेव करने लग जाता है वो पेस्ट करने लग जाता है वो रूटीन में शामिल हो जाता है और उस रूटीन में उसे पता ही नहीं चलता कब वो देश प्रेमी हो गया कब वो नागरिकों से प्यार करने लग गया कब उसका एटीट्यूड पॉजिटिव हो गया कब वो जीवन में बदलाव की तरफ बढ़ गया कब वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गया ये भाव कब आए पता है जब वो जोईन हुआ था तब नहीं थे तब तो केवल रोजगार के लिए आया था सर लेकिन जैसे ही वो माहौल में आया उसके ऊपर माहौल का रंग चढ़ता गया सर मैं आपको बताना चाहता हूं सर महावीर सारण ढाई हजार की नौकरी वाला इंसान था सर आज सात लाख से लेकर दस लाख रुपए महीना कमाता है ना ये सारा माहौल का फर्क है सर मेरे गुरुओं की देन है 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 ना इन इन मीटिंगों की की देन इन एजुकेशन की देन एजुकेशन लगातार जुड़ने का है, सर, मेरे अंदर कम की से कुछ नहीं होगा डायरी पेन लेके जो बढ़िया चीज लगे नोट करते जाना ये बिजनेस आपकी लाइफ को बदलेगा मेरी गारंटी है सर और आज की मीटिंग को ध्यान से सुनना सर इससे बढ़िया इससे शानदार और इससे जोरदार जबरदस्त बिजनेस नहीं हो सकता सर अगर आप देश सेवा करना चाहते हो परिवार सेवा करना चाहते हो समाज सेवा करना चाहते हो मानव सेवा करना चाहते हो आप जो चीज चाहते हो ना इस एक प्लेटफॉर्म पे आपको सब मिलेगा सर लोग आइडियल मानेंगे आपको सर लोग रोल मॉडल मानेंगे सर आप जैसा बनना चाहेंगे लोग सर है ना तो ये ये सीखना और आज की मीटिंग का पहली लाइन डायरी में नोट कर लीजिए सर अगर कामयाबी चाहिए ना सर लर्निंग ही अर्निंग है एक लाइन में बताता हूं सर मेरी कामयाबी का राज सर सीखना ही जीतना है सर सिंपल फार्मूला है सर सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है सर और जो सीखता नहीं है ना सर वो लाइफ में आगे बढ़ता ही नहीं है सर एक डॉक्टर डॉक्टर कब बनता है लगातार सीखने से एक एडवोकेट एडवोकेट कब बनता है लगातार सीखने से, फर्स्ट ग्रेड का अधिकारी आईपीएस आईएएस कब बनता है लगातार सीखने से सर नॉलेज सर लर्निंग ही अर्निंग है सर इसीलिए सीखिए चाहे आपकी उम्र कोई भी हो चाहे आप कितने ही कम पढ़े लिखे हो है ना आप सीखने के मोड में आ जाइए और जो सीखना छोड़ देता है ना वो अनयूज प्रोडक्ट हो जाता है विनी सर अनयूज प्रोडक्ट सर जिसको लोग लाइक नहीं करते हैं सर अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा लोग आपको आपको फॉलो नहीं कर रहे आप में एक्साइटमेंट की कमी है आपके अंदर सारी चीजें अगर नीरस भाव है ना लाइफ के प्रति इसका मतलब लर्निंग कम हो गई है सर और जिन तारों में करंट नहीं होता ना विनी सर उन तारों पे कच्चे सुखाने के काम में आते हैं सर। जी सर जी मुझे माफ करना सर अगर आप में लाइफ में सीखने के लिए आप एक्साइटमेंट नहीं और आप में करंट खत्म हो गया तो फिर कुछ नहीं होना अनय प्रोडक्ट है सर सर और आरसीएम में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं सर। वो रॉयल्टी है वो टेक्निकल है वो लीडरशिप है वो बड़ी बड़ी पिनों पर है लेकिन अनयूज है सर जब हम घर में सब्जी खरीद के लाते हैं ना मूली मूली जी जी, मूलिंग प्रिंस भाई मूली समझते हो मूली हाँ मूल्य के आगे वाली साइड को तोड़ के सब्जी yes, में काम में ले लेते ले हैं पीछे वाला पार्ट क्या होता है अनयूज होता है फेंक देते हैं सर कचरे के भाव सर जी सर अगर, जी, अगर आपने लर्निंग बंद कर दी ना अनयूज हो जाओगे सर बहुत आगे तक नहीं जा पाओगे इसीलिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है सर इसीलिए सीखने को फोकस करना है सर तो शुरुआत करें सर सीखने के लिए विनीत सर बिल्कुल सर आज की मीटिंग को लास्ट तक अटेंड करना मजा आएगा सर बिजनेस करते हुए और इस बिजनेस में मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ सर सात आठ साल से है ना मैं लाइफ के मजे ले रहा हूँ सर इंजॉय कर रहा हूँ सर है ना कोई पैसे की कोई टेंशन नहीं है है ना कोई मेरा बोस नहीं है कोई मेरा मालिक नहीं है है ना जब मर्जी आता है घूमने जाता हूँ जब मर्जी आता है है ना बच्चों के साथ शेर पे निकल जाता हूँ जब मर्जी आता है टूर पे निकल जाता हूँ जब मर्जी आता है हिंदुस्तान घूमने का मन कर रहा है हिंदुस्तान में मीटिंगे डालो सर हर जगह लोग आपको मिलेंगे सर है ना ये आनंद कहा मिलता है लाइफ में सर लेकिन आरसी बिजनेस आपको दे सकता है है ना आज अपनी चर्चा करेंगे सर कैसे काम करता है ये बिजनेस किस तरह से बड़े लेवल पे जाएगा और आरसीएम में बड़ी कामयाबी का एक फार्मूला बता रहा हूँ सर है ना जो मुस्कुराता है ना उसका बिजनेस तेज चलता है है मुस्कुराइए सर ना जितने लोग बैठे हैं ना एक बार मुस्कुराइए आपकी आपकी हंसी ऊर्जा का निर्माण करेगी है ना फूल केवल खुलता है खिलता है बमरा हजारों किलोमीटर दूर से उस उसपे आके बैठता है सर, आप खुलिए खिलिए है ना यही कामयाबी का फार्मूला है और सर अगर टेंशन लेके करना है तो नौकरी करिए दुकानदारी करिए सर व्यापार करिए किसी के आगे धंधा करिए सर करना बिंदास बन के करिए ये बिंदास लोगों का धंधा है सर है ना रोने वालों का ये नहीं चलता है हंसने वालों का चलता है सर है ना आइए चर्चा करते हैं सर कौन कामयाब हो सकता है क्या क्वालिटी चाहिए किस तरह की कामयाबी इसमें आपको मिलेगी स्क्रीन शेयर हो रही है सर 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 हो रही है ओके सर फर्स्ट ऑफ ऑल 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं परमात्मा करे आपके लाइफ की सारी ड्रीम पूरे हो आप बड़ी ऊंचाई पे जाएं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की मीटिंग को शुरू करते हैं देखिए डायरेक्ट सेलिंग हम जिस व्यापार में है ना सर इसका विजन और मिशन समझने का प्रयास करना सर ये आने वाले समय का सबसे पावरफुल बिजनेस है इस ब्रह्मांड और इस धरती का सर और आरसीएम बिजनेस इंफिनिटी का एक दमदार एग्जाम्पल आने वाले दस पंद्रह सालों में आपको देखने को मिलेगा सर अभी तो कुछ भी नहीं है सर शुरू ही नहीं हुआ अभी तो सर चलना ही शुरू नहीं किया इसमें बच्चा है अभी तो घुटने पे चलना इसको जवान तो आने दो इसको तीस पैंतीस साल की छक जवानी में आने दो फिर देखना सर इसके नजारे में तो आज अपनी थोड़ी सी चर्चा करेंगे सर गाड़ी चाहिए बंगले चाहिए मकान चाहिए है ना टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम जो भी आपको चाहिए सब मिलेगा लेकिन आपको इस खेल का थोड़ा खिलाड़ी बनना पड़ेगा सर है ना जो सोच सकता है इंसान वो लाइफ में हासिल कर सकता है आज हम पैसा कमाना चाहते हैं सर। अच्छा एक चलो थोड़ी एक बार आज के बिजनेस को सर अगर मेरे को मार्केट में कोई काम करके पैसा कमाना हो तो क्या पैसा नहीं लगाना पड़ेगा सर लगाना पड़ेगा सर सर थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं, मैं लेना चाहता हूँ एक बार डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे सर बताओ ना सर क्या नौकरी हमें अमीर बना सकती है क्या नौकरी हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है क्या नौकरी हमें करेंगे और व्यापार बिजनेस क्या, क्या करना चाहिए चेक करिए अगर मुझे पैसा कमाना है तो मार्केट में क्या करना पड़ेगा सबसे पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा सर यस सर जब हम इन्वेस्ट करेंगे तब हमें पैसा कमाने का कोई चांस मिलेगा और हम जितना प्रति महीना कमाना चाहते हैं उसको अगर हम पहले लिखेंगे कि मुझे महीने में इतनी अमाउंट चाहिए तो उसी हिसाब से मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी होगा सर, जी बिल्कुल करना, लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूँ मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके तो मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा लगभग सर सर ए एक करोड़ या मिनिमम दस लाख बीस लाख पचास लाख जो भी मार्केट का हिसाब है उस हिसाब से सर सर अगर एक लाख रुपए महीना चाहिए ना तो कम से कम पचास लाख से लेके ले करोड़ रुपए मुझे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे सर जी सर जी अच्छा जब मैं पचास लाख या एक करोड़ लगाऊंगा तो क्या चांस है चाक लाख आ जाएगा सर फिफ्टी फिफ्टी पचास परसेंट चांस है सर कि मैं लाख रुपए महीना कमा लूंगा अच्छा अब मैं चाहता हूँ सर ये चांस लेना तो क्या मेरे घर पे पचास लाख रुपए होंगे सर शायद नहीं हम, सर हम कॉमन आदमी है सर आम लोग जुड़े हुए हमारे साथ सर हम जानते हैं क्या हमारे बैंक खाते में एक करोड़ रुपए जमा है नहीं सर तो हम एक करोड़ रुपए या पचास लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाएंगे सर मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ सर ये वाले अगर जमीन जायदाद है तो किसी बनाएंगे विनीत जी की तरह ससुराल मजबूत है <laughs> तो सर उधर आत्मा मारे हैं सर जी या राधे श्याम जी की तरह कोई दोस्त पैसे वाला है तो फिर उससे उधार लेंगे सर या पत्नी की अगर गोल्ड है तो उसको बेच बाच के पैसा लेंगे या कोई प्लाट है तो उसको गिरवी रखेंगे या कोई ब्याज देने वाला है तो उससे पैसा उठाएंगे या कोई सामान गिर भी रख सकते हैं वहां से उठाएंगे अच्छा जब हम मान लो एक करोड़ रुपए लगाना चाहते हैं तो रोड पे थोड़ी लगाएंगे सर हमें क्या चाहिए उसके लिए हमें दुकान करनी पड़ेगी अगर कपड़े का दुकान करना चाहते हैं तो हमें दुकान चाहिए सर दुकान में हमें फर्नीचर लगाना पड़ेगा लाइट का बिल भी आएगा सर अच्छा सेठ जी पैदल तो जाएंगे नहीं सर कार या बाइक पे जाएंगे सर उसका भी तेल लगेगा सर जी जी वो भी खर्चा मांगेगी सर बैंक में खाता खुलाना पड़ेगा सर बिल्कुल करंट अकाउंट खुलाना पड़ेगा अच्छा उसमें मेरे जैसे दोस्त भी आ जाएंगे उधारी वाले सर वो कहेंगे कल देंगे पर कल आता ही नहीं है सर उधार जो लेके जाता है उसका आज तक कल नहीं आया है सर जी जी अच्छा जी इसके जी बाद किराया भी लगेगा सर दुकान का सर अच्छा पचास लाख या एक करोड़ रुपए लगाएंगे उसका ब्याज भी लगेगा सर बिल्कुल अगर एक दो परसेंट ब्याज भी जोड़े तो लगभग पचास हजार रुपये महीने का ब्याज का खर्चा हो गया अब अपन ने ये दुकान खोल ली भी नहीं सर मुंबई में खोल ली पुना में खोल ली महाराष्ट्र में सूरत में जहां आप रहते हो वहां खोल ली सर एक करोड़ रुपए लगा लिए पचास परसेंट चांग से जाके एक लाख आ जाएंगे अच्छा दुकान खोलने के बाद हमारा एटीट्यूड बदल जाएगा दुकान पे बैठेंगे बोलेंगे आओ 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 जी 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 पूरी जिंदगी आओ जी एक करोड़ लगा के सर बहुत सारे ऐसे ग्राहक आएंगे जो पूरा सामान खिला रहेंगे अपना ये पसंद नहीं है बहुत सारी दीदी लोग आएंगी ये पसंद नहीं है वो पसंद नहीं है फिर बोलेगी आज तो मेरा मूड नहीं है सर मन में बड़ा गुस्सा आता है विनीत सर मन में गुस्सा ऐसा आता है इसको थोड़ा खोपचे में लेके जाते हैं बताते हैं कि तेरे को पसंद आया लेकिन एक करोड़ रुपए लगे हुए सर ऐसा कर नहीं पाता है आदमी सर जी इसीलिए सर सर इस इस तामझाम में लगा रहता है सर। अच्छा एक साल तक प्रयास किया दुकान नहीं चली हम अपने राय लेते हैं कि सर क्या करें दुकान को मंगल कर दें क्या तो जानकार आदमी क्या बोलेगा अरे भाई ट्रेडिशनल बिजनेस में एक साल तो दुकान जमने में लगता है जी अच्छा पचास साठ हजार रुपए सर महीने का खर्चा है एक साल तक पचास हजार रुपए का खर्चा हुआ कितना हो गया सर सर लाख का तो ऐसे ही खर्चा हो गया जी अब इस दुकान को सर मंगल नहीं कर सकते दो साल भी चलाएंगे तो बारह लाख का खर्चा हो गया दो साल बाद सर दुकान मान लो नहीं चली एक लाख रुपए नहीं आया तो सर जहां से पैसा लिया था ब्याज बढ़ता गया सर खर्चे बढ़ते गए सर उनका दबाव बढ़ेगा तो आदमी फ्री रहेगा या टेंशन में रहेगा सर बिल्कुल टेंशन में रहेगा सर टेंशन में आ जाएगा सर अब दबाव में वो क्या करेगा सर दुकान का सामान बेचेगा तो जो माल एक करोड़ में खरीदा है सर वापस बेचेगा एक करोड़ में बिक जाएगा सर नहीं सर एक करोड़ वाला माल सर बीसेंट पचास परसेंट लॉस में बिकेगा सर एक करोड़ लगाया था पचास लाख का नुकसान हो गया अब मेरे को बताओ सर अगर ऐसी घटना एक आम आदमी के साथ हो जाए तो उसे आत्महत्या करनी पड़ सकती है सर गांव से भागना पड़ सकता है आदमी पागल हो जाए मेंटल हो जाए हमारे जयपुर में सर कल एक पति पत्नी ने सर बच्चों के साथ जहर खा लिया सर कल के अखबार में थी पचास लाख रुपए का कर्जा हो गया गांव का रहने वाला था जयपुर में आके धंधा शुरू किया सर ऐसी घटनाएं हम रोज देखते हैं इस तरह से आम आदमी इस तरह का धंधा करता नहीं है सर अब मैं आपको एक मौका एक अवसर दे रहा हूं सर यही कंडीशन मिले कि 50 परसेंट चांस है एक लाख रुपए आ जाए और 50 परसेंट चांस है हम दिवालिया हो जाएं लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या है सर जीरो जीरो सर लगाना कुछ भी नहीं है सर इन्वेस्टमेंट करना है जीरो पचास परसेंट चांस है क्या कि आप एक लाख प्लस महीने की इनकम कमाएंगे और पचास परसेंट चांस है सर कि आप क्या हो जाएंगे सर दिवालिया लगाया ही कुछ नहीं है तो जाएगा क्या सर सर ये अपने पास अवसर है सर सर इसको कहते हैं बिजनेस अगर एक लाख नहीं भी आया तो लगा क्या है सर ये अवसर है हमारे बीच में सर इस अवसर को पहचानिए सर है ना अच्छा इस अवसर के अंदर सर अपने को दुकान नहीं चाहिए सर फर्नीचर नहीं लगाना सर लाइट का बिल नहीं लगेगा सर बैंक का खाता नहीं लगेगा सर करंट अकाउंट सर उधारी नहीं जाएगी सर किराया और ब्याज कुछ नहीं लगेगा सर सारा खर्चा केवड़ा जी ने किया है सर सारी फैक्ट्रिया वो लगा रहे हैं सर सारा तान जाम उनका है सारी रिस्क उनकी है सारा लॉस उनका है सारा टैक्स का लपड़ा उनका है गवर्नमेंट बदले तो सारा लपड़ा उनका है पुलिस आएगी गिरफ्तार करेगी तो उनको करेगी सर अपना काम क्या है सांड है सर नो no इन्वेस्टमेंट कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है सर ये मैं पहन के बैठा हूँ सर ये कपड़ा आरसीएम का है जो मैं बोल रहा हूँ ये मार्केटिंग का तरीका है पिछले 22 साल से ये काम कर रहा हूँ भाई 50 करोड़ रुपए की इनकम आई है मेरी फैमिली में और महीने की 10 लाख रुपए मेरे नाम से आते हैं ये आरसीएम की पावर है भाई अब अपने को डिसीजन लेना है सर ये बिजनेस अपने को कल करें या आज करें ये नहीं करेंगे ना तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सर थोड़ा और आगे चलता हूं सर अगर आपको लगता है कि आप एक बढ़िया नौकरी कर रहे हो आपके बच्चे को एमबीबीएस करवा देंगे एमबीए करवा देंगे और बच्चा डॉक्टर बन जाएगा इस गलत में मत रहना सर इसको पढ़िए आप भारत में साल 2014 से साल 2022 के बीच 22 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया था सर 22 करोड़ लोगों ने और कितने लोग नौकरी लगे हैं मात्र सात लाख लोग सर भारतीय लोग ये नहीं समझते हैं उस देश की जो जनसंख्या होती है ना उसका केवल टू परसेंट लोगों को ये वो देश नौकरी दे सकता है बाकी लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ता है और हमारे भारत में जो जनसंख्या है उसका टू पॉइंट टू परसेंट लोगों को रोजगार मिल चुका है सर इसका मतलब रोजगार गवर्नमेंट के पास है ही नहीं एक्स्ट्रा दे चुके हैं सर धंधा है ही नहीं तो बच्चे करेंगे क्या सर भविष्य कैसा चलेगा जनसंख्या बढ़ रही है बेरोजगारी बढ़ रही है तो आने वाले टाइम में क्या होगा सर आज इसकी प्लानिंग करिए सर थोड़ा और आगे लेके चलता हूं सर ये देखिए सर भविष्य में सबसे पावरफुल बिजनेस धरती का कोई होगा वो नेटवर्क मार्केटिंग होगा और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी ग्रोथ अगर कोई भविष्य में लेके आएगा उसका नाम आरसीएम बिजनेस होगा और आपको मौका मिला है सर इस बड़े व्यापार के टर्नओवर में अपना हिस्सा जनरेट करने का सर नेटवर्क मार्केटिंग के विकास की ये नीचे यात्रा दिखाई दे रही है फ्रेंचाइजी बिजनेस उन्नीस में शुरू हुआ नेटवर्क मार्केटिंग भी उन्नीस में शुरू हुआ आज जितना टर्न होता है ना वर्ल्ड वाइड पिज्जा डी मार्टी ए नेशनल ये फ्रेंचाइजी बिजनेस उस सेल का लगभग 60 से 70 परसेंट एरिया को कवर करते हैं जो बड़ा बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट होते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग अभी शुरू हुआ है सर 1990 के बाद इसमें ग्रोथ आना चालू हुआ है आज 2022 में ये फ्रेंचाइजी बिजनेस को टच कर रहा है और 2023 में यह फ्रेंचाइजी बिजनेस को क्रॉस करेगा ट्रिलियन डॉलर का व्यापार करेगा और जब ये ट्रिलियन डॉलर का व्यापार करेगा जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सारे लोग करोड़पति बन सकते हैं ऐसा अगर आज आपने ठीक से इसको समझा सर इस दुनिया में तीन तरह के लोग हैं दोस्त एक होता है अमीर आदमी एक होता है मिडिल क्लास और एक होता है गरीब आदमी अमीर कौन बनता है पता है वक्त बदलने से पहले अपने आप को बदल लेता है वो अमीर बनता है वक्त के साथ बदलता है वो मिडलमैन होता है और वक्त बदलने के बाद बदलता है वो गरीब आदमी होता है सर डायरेक्ट सेलिंग का अपने को पता चल गया सर अवसर है मौका है टाइम आने वाला है तो अपने को आज सीरियस करेंगे ना तो 2030 के बाद जितने लोग ज्वाइन है अगर प्रोफेशनल तरीके से किया सब लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है सर पैसे की प्रॉब्लम समाप्त हो सकती है सर थोड़ा और आगे चलते हैं सर टॉप टेन ग्लोबल मार्केट बता रहा हूं सर डायरेक्ट सेलिंग का यूएसए के अंदर तेईस कोरिया के अंदर 10 China 10 चाइना जापान डायरेक्ट सेलिंग में कोई पहचान ही नहीं है सर और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है हिंदुस्तान सर विश्व का सर हमारे पास में असीम संभावनाएं है सर इस इन्फिनिटी बिजनेस में इंफिनिटी ग्रोथ करने का अपने पास में मौका है सर अवसर है सर हम प्रोफेशनल तरीके से करें तो कुछ भी किया जा सकता है सर ये 2022 में का की जो है, वो बता रही है ग्यारह परसेंट ग्रोथ करेगा डायरेक्ट सेलिंग सर डायरेक्ट सेलिंग तो ग्रोथ करेगा मेरा सवाल है सर क्या हम ग्रोथ करेंगे क्या क्या हम इसकी प्लानिंग कर रहे हैं क्या क्या हम इतने सीरियस है क्या सर अपने पास में एक अवसर है, है सर ग्रोथ करने का सर थोड़ा और आगे आपको लेके चलता हूं ध्यान से पढ़ना सर क्या लिखा हुआ है सर रोबोट वकील अब कोर्ट में जज के सामने मुकदमे की पैरवी और बहस भी करेगा करेगा सर लंदन में चालू हो गया है सर तो जो आज ये मान रहे हैं ना सर कि मेरे मेरे धंधे पे कुछ नहीं होगा वो धंधे खत्म होने वाले हैं सर सर आर्थिक रिपोर्ट ये बोल रही है सर इकोनॉमिस्ट ये बोल रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत सारे धंधे खत्म हो जाएंगे लंदन में चालू हो गया क्या हिंदुस्तान में चालू नहीं होगा सर अमेरिका हो में इंग्लैंड में लंदन में जो चीज 20 साल पहले आती है 20 साल बाद वो हिंदुस्तान में आ जाती है सर तो जो ट्रेडिशनल बिजनेस के उद्योग धंधे हैं वो तो बंद हो रहे हैं सर और डायरेक्ट सेलिंग क्या बोल रहा है दो तक वन करोड़ जॉब चलाएगा सर डायरेक्ट सेलिंग लोगों को रोजगार दे रहा है ट्रेडिशनल बिजनेस के रोज रोजगार जा रहे हैं अपने सामने मौका है सर ग्रो करने का सर इससे बढ़िया मौका हो नहीं सकता सर और आज अगर आप कोई कोई भी धंधा कर रहे हो नजदीक भविष्य में इनके जैसे बहुत सारे लोगों के रोजगार खत्म होने वाले हैं सर सर ये सब लोगों के रोजगार जाने वाले हैं वाचमैन पोस्टमैन कंडक्टर एडवोकेट डॉक्टर ट्रैफिक पुलिस जयपुर में किसी चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस नहीं मिलेगी विनी सर पांच साल पहले हर चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस होती थी गायब गई सर क्यों कैमरे आ गए सर दस साल पहले याद करो ना सर एटीएम के बाहर लाइन लगाते थे बैंक में लाइन लगाते थे पैसे के लिए सर आज लगाते हैं क्या मेरे को बैंक गए हुए पांच साल हो गए सर, सर साल हो गए सर बिजली का बिल भरने में लाइन लगाते थे सर मेरे को बिजली का बिल भरे हुए पांच साल हो गए सर सर पांच साल हो गए सर बच्चों की फीस भरने के लिए पेमेंट लेके जाते थे सर मैं बच्चों की फीस भरने के नाम से स्कूल में गए हुए तीन साल हो गए सब ऑनलाइन हो रहा है ये सब धंधे धीरे धीरे बंद होने वाले हैं भाई ये बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट था सर आज से पांच साल पहले हम बोलते थे सर आपकी नौकरियां जाएगी आज सर वो लेटर लिखते थे ना प्रेम लेटर मिलते ही जवाब देना हम यहाँ राजी कुछ हैं आप भी राजी कुछ ही होंगे आज वो डिपार्टमेंट ही गायब हो गया सर इतना बड़ा डिपार्टमेंट इतना हो हो गया सर, हो गया सर सर ये वाला सर बरसात के मौसम में गाने चलते थे सर मेरे गाँव में सर गवर्नमेंट ने रेडियो दिया था मेरे दादाजी को कि शाम को इस पे न्यूज लगाना पूरे हिंदुस्तान की न्यूज आएगी आज सर हर आदमी के हाथ में रेडियो आ गया इसके सर कहाँ चला गया सर गायब हो गया सही है सर एस पे लाइन लगती थी सर आज कहाँ गए सर गायब हो गए सर सर वक्त बदल रहा है सर और बदलते हुए वक्त के साथ हम नहीं बदलेंगे ना तो हम भी वो बिना करंट वाले तार हो जाएंगे सर सर आज सीखिए सर आज लर्न करिए सर हमें एक मौका मिल रहा है भविष्य का नया बिजनेस शानदार अवसर हमारे बीच में आ रहा है सर और उसका नाम है सर आरसीएम बिजनेस एक मौका एक अवसर है ना एक प्लेटफॉर्म एक अपॉर्चुनिटी जहां पे कोई बाउंडेशन नहीं है आप गांव के हो शहर के हो पढ़े लिखे हो लेडीज हो जेंट्स हो बुढ़े हो जवान हो नौकरी वाले हो बेरोजगार हो सर लोग रिटायर होकर आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और रिटायरमेंट में जो उनको पैसा मिलता था जॉब में मिलता था उससे दस गुना आरसीएम में कमा रहे हैं घर पे महिलाएं बच्चों का टिफिन बनाते बनाते लाखों रुपए की इनकम ले रही है गाड़ियों के ड्राइवर गाड़ी चलाते चलाते सर कब डायमंड आरसीएम में बन रहे पता ही नहीं चल रहा कल तक केबल ऑपरेटर का काम करने वाले सुरेंद्र साहब आज महीने के पचास लाख रुपए कमाते हैं जो कल तक आपके घर पे केबल के कनेक्शन देते थे सर राणा भाई राजपुरोहित सर बंगाल का काम करने वाला आज आरसी बिजनेस में स्टार एमराल्ड है तीन लाख रुपए महीने की इनकम ले रहा है सर हरीश भाई थुमर कल तक सर डायमंड का व्यापार करने वाला कभी स्कूल नहीं गया आंगूठा टेक बंदा आज स्टार एमरा है तीन लाख रुपए महीना ले रहा है ये मौका है सर ये एक अवसर है आपके सामने सर बिजनेस में अभी आप चूक गए ना सर तो सर भविष्य में लोग आपको माफ नहीं कर पाएंगे सर एक बहुत बड़ा अवसर है सर और अभी आरसीएम बिजनेस ने अपने को एक मौका दिया है क्या मौका दिया है चलना नहीं चढ़ना है हर दिन आगे बढ़ना है ध्यान दीजिएगा इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं पहले आरसीएम एक साल के टारगेट देता था विनीत सर जी। एक साल में ये ग्रो करना है फिर आरसीएम आरसी महीने के टारगेट देता था कि अगले छह महीने में, में ये ग्रो करना है फिर आरसीएम मार्च और सितंबर के टारगेट देता था कि एक महीने में, में यह ग्रो करना है अब आरसीएम क्या टारगेट दे रहा है ध्यान देना सर चलना नहीं चढ़ना है हर दिन आगे बढ़ना है हर दिन के टारगेट दे रहा है सर और मेरी बात को नोट कर लेना है सर आने वाले पांच से दस साल के अंदर प्रति घंटे ग्रोथ का टारगेट मिलने वाला है सर प्रति घंटे सर ये बिजनेस ग्रोथ करेगा सर इसका मतलब बिजनेस ग्रोथ में जा रहा है और विजय दिवस आठ और नौ मई को ही क्यों मना रहे हैं सर मई में ही क्यों मना रहे हैं कौन सी घटना हुई थी मई में जिसकी वजह से विजय दिवस मई में मना रहे हैं सर जानते हो क्या आठ नौ मई को क्यों मना रहे हैं विजय दिवस कोई बताएगा किसी को पता है मई में विजय दिवस क्यों मनाते हैं सर इसीलिए मैं कहता हूं सर आप भागी मत दौड़िए मत दौड़ने का बिजनेस नहीं है, रुकिए है, सीखिए है, एक कहानी सुनाता थोड़ा मुस्कुराइए कहानी सुनाता मुस्कान बहुत जरूरी है बिना मुस्कान मेरे को ऊर्जा ही नहीं मिलती है सर सर एक घर में एक पापा की घड़ी गुम हो गई तो उन्होंने बच्चों को बुलाया कि बेटा मेरे को ऑफिस जाना है जल्दी सी घड़ी ढूंढ के लाओ जो ढूंढ के लाएगा सौ रुपए देंगे तो मैडम ने भी पूछा मैं भी लग जाऊं हाँ तुम भी लग जा तीन बच्चे और मैडम चारों लगे घड़ी नहीं मिली एक घंटा हो गया पापा परेशान बच्चे परेशान छोटा छोटा बच्चा पापा के पास आया कि पापा मैं आपकी घड़ी ढूंढ सकता हूं मेरी एक शर्त है बाकी सब लोगों को आपके पास बुला लो तो बाप को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार सबसे छोटा बच्चा बोल रहा है मैं ढूंढ लूंगा कैसे ढूंढेगा वो कह रहा पापा मेरे पे छोड़ो आप सबको बुला लिया पंद्रह मिनट बाद बच्चा गया पंद्रह मिनट बाद हाथ में घड़ी लेके आया तो बाप को बड़ा आश्चर्य उसने कहा बेटा सब लोग नहीं ढूंढ पाए तूने कैसे ढूंढ दी कि पापा सब लोग भागम भाग कर रहे थे घड़ी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी मैंने सबको बाहर निकाला कमरे में शांति से आंख बंद करके साइलेंट में बैठा और घड़ी की टिक 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 की जहां आवाज आई वहां चला गया तुरंत घड़ी मिल गई मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ अगर ग्रो करना चाहते हो ना भागना दौड़ना बंद करो डायरी पेन ले बढ़िया प्लानिंग करो जो टारगेट आई उसको पहले लिखो समझो सीखो फिर आगे बताना शुरू करो सर मई में क्यों विजय दिवस मना रहे हैं मैं बताना चाहता हूं सर आरसीएम बिजनेस को जब हम कर रहे थे शुरुआती दिनों में 2001 2002 2003 2004 धीरे धीरे चल रहा था इसकी ज्यादा पॉपुलरिटी नहीं थी लोग इसको मान नहीं रहते लोग इसको पहचान नहीं रहते लोग इसको जान नहीं रहते तब हमने एक डिसीजन लिया कि एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं और हमने वो बड़ा प्रोग्राम किया था दो या सात में मुझे डेट याद नहीं है भीलवाड़ा में विजय दिवस के रूप में उसे मनाया था और उसमें लगभग साढ़े तीन लाख लोग आए थे सर पहली बार साढ़े तीन लाख लोग वर्ल्ड में कहीं पैर रखने की जगह नहीं थी थीवाड़ा में कहीं पैर रखने की जगह नहीं थी वर्ल्ड में छतों पे लोग चढ़ गए पूरी गैलरियां भर गई पूरे हॉल भर गए है ना पूरी सड़कें भर गई जो आप देख पा रहे हो पूरी सामने वाली रोड पूरा हाईवे जाम हो गया भीलवाड़ा में खाना खत्म हो गया पानी की बोतलें खत्म हो गई नेटवर्क जाम हो गया उस एक प्रोग्राम के बाद में आरसीएम बिजनेस नेशनल बिजनेस बन गया सर इन राजस्थान के सीएम की नजर में आ गया बड़े बड़े अधिकारी इसको जानने लग गए उसके बाद हमने विजय दिवस मई में मनाना शुरू कर दिया और ऐसा ही एक नजारा ऐसा ही एक जलजला ऐसा ही एक तूफान आठ और नौ मई को भीलवाड़ा में आने वाला है सर आपको मौका मिलेगा उस पावन भूमि पर जाने का आपको मौका मिलेगा डायरेक्ट उस कंपनी के मालिक से मिलने का आपको मौका मिलेगा उस भरपूर नजारे को देखने का और पहली बार ऐसा हो रहा है सर उसमें कोई भी आदमी जा सकता है एक नया आदमी जो अभी ज्वाइन नहीं हुआ है उसको ज्वाइन करवा आप के आप लेके जा सकते हो आपकी टीम के सारे लोग उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं इसके लिए सर यह नारा दिया गया है विजय दिवस आठ और नौ मई 2023 चलना नहीं चढ़ना है हर दिन आगे बढ़ना है इसकी प्लानिंग बड़े स्तर पे करिए शांत स्वभाव से बैठ के करिए कोई जल्दबाजी नहीं कोई हड़बड़ी नहीं एकदम बिना टेंशन के डायरी पेन लेके बैठिए है ना और इस टारगेट को अपनी डायरी में लिखिए कि मुझे कैसे काम करना है है ना मेरे को इस महीने कैसे प्लानिंग करना है इस, इस दिन कैसे प्लानिंग करना है मेरी टीम को मैंने ग्रो कैसे कराना है मैं लास्ट तक आपको बताने वाला हूं सर ध्यान से सुनिए अगले मिनट की जो चर्चा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस को दस गुना कर सकती है मिनिमम पांच गुना जाएगा विनीत सर आज की मीटिंग से नोट कर लेना हंड्रेड जाएगा जो काम करेगा मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ लेकिन आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी उसी हिसाब से सर आइए चलते हैं सर चलना नहीं चढ़ना है हर दिन आगे बढ़ना है इस इस फोटो फ्रेम को ध्यान से देखिए सर आरसीएम कोई भी पोस्टर बनाता है ना सर वो केवल पोस्टर नहीं है सर उसमें एक छुपा हुआ मैसेज आपके लिए है सर चलना नहीं चढ़ना है हर दिन आगे बढ़ना है जो ये बंदा जा रहा है ना ये आप है सर आप अपने आप को चेक करिए सर क्या आप वेल अप टू डेट है सर? क्या इस तरह के बिजनेसमैन की पोशाक में आप है सर चेक करिए पुलिस वाला ड्रेस में होता है सर है ना डॉक्टर ड्रेस में होता है वकील ड्रेस में होता है है ना तो क्या लगता है सर हमें इस बिजनेस में टॉप लेवल पे जाना है तो हमें भी हमारा ड्रेस कोड फॉलो करना चाहिए सर और देखिए ये जो पेड़ रख रहा है ना पीछे वाले से आगे वाला ऊपर है उससे आगे वाला ऊपर है उससे आगे वाला ऊपर है उससे आगे वाला ऊपर है सर। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी ग्रोथ लगातार बढ़ना और कामयाबी हमें तभी बड़ी मिलेगी सर जब हम लगातार बढ़ेंगे सर। इस दुनिया में जितनी कामयाबी है ना विनी सर जितनी भी वो कंसिस्टेंसी की वजह से एक शब्द की वजह से कौन सा शब्द कंसिस्टेंसी लगातार से हम जब पैदा हुए थे ना ढाई किलो के थे सर आज वजन कितना है विनीत सर सर आपका सर, 70 के ऊपर किलो कुछ लोग अस्सी के भी होंगे कुछ लोग नब्बे वाले भी होंगे पैदा हुए थे किलो के थे कब बढ़ा पता है कंसिस्टेंसी बढ़ा सर पेड़ पौधे रोज बढ़ रहे हैं उम्र रोज बढ़ रही है बाल रोज बढ़ रहे हैं नाखून रोज बढ़ रहे हैं अगर हमें लाइफ में ग्रो करनी है ना तो रोज बढ़ने के सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा सर हम पहाड़ की चोटी पे चढ़ना चाहते हैं ना तो जंप मार के नहीं जा सकते सर हमें एक एक कदम चढ़ना पड़ेगा और लगातार चढ़ना पड़ेगा साइकिल लेके जा रहे हैं ना तो पेडल मारना रोक देंगे ना तो साइकिल ऊपर नहीं जाएगी नीचे आ जाएगी अगर ऊपर जाना है तो लगातार पेडल मारना पड़ेगा सर कंसिस्टेंसी की ग्रोथ चाहिए सर और सर इस विजय दिवस में जाने के लिए क्या क्या कंडीशन है विजय दिवस में कौन जा सकता है क्या कंडीशन है आठ नौ मई को सर सर ग्रोथ का एक तो यहाँ पर फार्मूला होना चाहिए साथ में कंसिस्टेंसी पंद्रह सो आ, ये जो ढाई हजार का पांच हजार का जो सभी है ना सर ये सारे प्री डायमंड क्लब जो है ना वो होना चाहिए सर ओके कोई और बताएगा सिंपल फार्मूला बता रहा हूँ देखिए जल्दबाजी सर, मत करिए सर, सर सर जल्दबाजी मत करिए दौड़ना मत करिए है ना एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ नोट करना सर नंबर सर, वन पहला सर अगर आप विजय दिवस में जाना चाहते हो तो जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2023 में न्यूनतम खरीदी हर की कितनी चाहिए सर? प्री डायमंड पांच सौ पीवी प्रति महीने अगले तीन महीने कंपलसरी होना चाहिए अगर आप इस ऐतिहासिक इवेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं सर इस महान आयोजन में शामिल होना चाहते हैं इतिहास की इस बड़ी घटना में अपने आप को शामिल करना चाहते हैं जैसे हम आज बताते हैं ना सर 10 मई को एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था बिलवाड़ा में जिसकी रफ्तार जिसकी आज तक हिंदुस्तान में चल रही है, सर। उसमें पता है? जिसकी मिनिमम खरीदारी दो हजार पांच सौ पीवी होगी सर नंबर वन पहला क्राइटेरिया नोट कर लीजिए सर पच्चीस पीवी सेल्फ आई पे होनी चाहिए अगर आप जोड़े से जानना चाहते हैं तो दो कोड पे होना चाहिए सर पच्चीस आपका और मैडम का दोनों चार के साथ जाना चाहते हैं तो चार कोड पे होना चाहिए क्लियर हो गया सर सर okay, सर क्लियर ओके दूसरा तरीका सर हमारे यहाँ ओपनर इगर रनर विनर पिन के साथ बिगनर और स्टार्टर भी पिन को शामिल कर दिया है आप इन लोगों को भी इस प्रोग्राम में शामिल कर सकते हो इसका मतलब क्या है ये पहला ऐसा प्रोग्राम है सर जिसमें एकदम जीरो से आदमी स्टार्ट करके और ऊपर डायमंड तक के सारे लोग शामिल हो सकते हैं सर अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह नहीं आता सर बिगनर पिन में कितना बिजनेस होना चाहिए स्टार्टर में कितना होना चाहिए बी में कितना होना चाहिए ए में कितना होना चाहिए तो पहली चीज नोट कर दीजिए पच्चीस पीवी होना चाहिए तीन महीने जनवरी फरवरी मार्च वो लोग इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं दूसरा सर आप इसमें से कोई सी भी पिन में होने चाहिए सर नंबर पहली पिन सर कौन सी बिगनर बिगिनर में ए लेग में टोटल बिजनेस होता है आपका बीस हजार बी लेग में कितना होना चाहिए विनीत सर पांच हजार पांच हजार वो बिगिनर की पिन पे होता है अच्छा कोई बंदा इस महीने पे बीस हजार खरीदारी कर ले तो क्या वो क्वालिफाई हो जाएगा सर जी हो जाएगा सर नया आदमी है पहली बार ज्वाइन हुआ है कर ले टोटल बिजनेस तो उसका बीस हजार हो जा रहा सर और तो हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा हो जाएगा हो होना चाहिए सर हो जाएगा सर पहला कोई भी नया आदमी ज्वाइन करता है अगर वो बीस हजार करता है इस महीने तो वो बिगनर की पिन पे आएगा और वो क्वालिफाई हो जाएगा सर नंबर वन पहला सार, दूसरा सार, का होता है, वो होता है टोटल होता है बी लेग में तीस हजार वो ईगल होता है सर पांचवा टोटल बिजनेस एक सत्तर बी लेग में चालीस हजार वो रनर होता है सर और छठा सर टोटल बिजनेस दो साठ बी लेग में पचास हजार वो विनर होता है सर टोटल बिजनेस तीन लाख बी लाइक में सत्तर हजार वो स्टार पिन होता है जिनके पास मोबाइल है इस स्क्रीन की फोटो खींच लीजिए सर ये आपका वो प्रारंभिक लेवल है सर जहां से आप लोगों को इस बिजनेस में शामिल कर सकते हो जहां से आप विजय दिवस में लोगों को एंट्री करवा सकते हो यहां से आपकी रफ्तार चालू होगी नंबर वन पहला वाइटल पिन सर वाइटल पिन आना जरूरी है सर अच्छा कोई दो महीने में अगर ग्रोथ करता है मान लो दिसंबर में आपका बेस बिजनेस है या कोई बंदा जनवरी में ज्वाइन करता है जनवरी में बिगनर आ गया और फरवरी में भी बिगिनर रहा और मार्च में उसने स्टार्टर कर दिया तो वो बंदा उस प्रोग्राम में जाने के लिए क्वालिफाई हो जाएगा सर विनी सर जी। तीन महीने में दो महीने जो पिन पिन पे पिन पे बदलेगा वो बंदा उस प्रोग्राम में जाने के लिए क्वालिफाई हो जाएगा और तीनों महीने इनमें से जो पिन बदलेगा लगातार उस बंदे को उस बड़े प्रोग्राम में स्टेज पे जाके सम्मानित होने का मौका मिलेगा क्लियर हो गया सर जीरो से लेके वाइटल लेवल तक स्टार लेवल तक ये कंडीशन है सर इसके बाद रॉयल्टी रॉयल्टी एंड ऊपर की डायमंड तक एक ही क्राइटेरिया है पच्चीस सौ पीबी होना चाहिए प्लस उनका अगले तीन महीने में दो महीने बिजनेस ग्रोथ पे जाना चाहिए और तीसरे महीने उनका मिनिमम बिजनेस रॉयल्टी का जाए तो वो बंदा क्वालिफाई हो जाएगा सर सिंपल बताना चाहता हूं डायरी में नोट कर लेना सर आप एक रॉयल्टी अचीवर है आपका बिजनेस गया है गोल्ड का सर एक पंद्रह का बी लेग में कभी आप गोल्ड अचीवर है सर आरसीएम के रॉयल्टी अचीवर लेकिन अभी आपका बिजनेस डाउन है आपने ध्यान नहीं दिया बिजनेस कम है दिसंबर में आपका बी लेख में बिजनेस गया है बीस हजार का विनीत सर ध्यान से सुनना दिसंबर में बिजनेस गया है बीस हजार का जनवरी में आपने बिजनेस कर लिया इक्कीस हजार का फरवरी में आपने कर लिया चालीस हजार का और मार्च में आपने कर लिया एक तो क्या क्वालिफाई हो गए सर क्वालिफाई होंगे क्वालिफाई हो गए बिल्कुल क्वालिफाई हो जी रॉयल्टी वाला मिनिमम रॉयल्टी के लेवल पे होना चाहिए सर क्लियर हो गया जी ओके okay. पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन आप परल हैं सर कोई बंदा उसका दिसंबर में बिजनेस गया है सेकंड लेग में तीन लाख का जी और जनवरी में उसने कर लिया तीन लाख पचास हजार फरवरी में कर लिया तीन लाख सत्तर हजार जी और मार्च में कर लिया उसने चार लाख क्या क्वालिफाई हो गया Uh, सर उसका पल का माना नहीं जाएगा जो दिसंबर का महीने था उस, उससे पकड़ा जाएगा और उसके हिसाब से वो क्वालिफाई हो जाएगा क्वालिफाई हो जाएगा सर बिल्कुल राइट एक बार ताली बहुत बढ़िया बिनी, सर बढ़िया कर रहे हो सर बहुत सारे लोग इसका गलत जवाब देते हैं सर आप किसी भी लेवल पे है सर कोई भी पिन एरो दिसंबर में जो बिजनेस गया है उस तीन महीनों में आपको ग्रो बिजनेस करना है सर दो महीनों में ग्रो करोगे तो उस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई हो गए तीन महीने ग्रो करोगे तो आप स्टेज पे जाने के लिए क्वालिफाई हो गए कोई नई पिन निकालोगे तो स्टेज पे जाने के लिए क्वालिफाई हो गए क्लियर हो गया सर, सर। अच्छा कोई एमराल्ड है कोई डायमंड भी है या मैं सफायर हूं पांच करोड़ का सर जी, जी, और जनवरी में बिजनेस गया चार करोड़ का जी, और मार्च में बिजनेस गया साढ़े चार करोड़ का और फरवरी में बिजनेस गया तीन करोड़ का तो मैं डिसक्वालीफाई हो गया बिल्कुल सर। किसी भी अगले तीन में, दो महीने तीन महीने सम्मानित होने का मौका मिलेगा क्लियर हो गया तीनों महीने पिन चेंज करेंगे रॉयल्टी में उनको मिलेगा जो तीनों महीने अपने बिजनेस की ग्रोथ करेंगे रॉयल्टी एंड अबो कोई भी बंदा है तीनों महीने ग्रोथ करेगा उसको विशिष्ट सम्मान मिलेगा पिन चेंज करेगा उसको विशिष्ट सम्मान मिलेगा ये विजय दिवस पे सम्मानित होने का मौका सर डायरी में नोट कर ले अपनी टीम के हर साथी को डिटेल में आपको बताना है और आगे चलते हैं सर दूसरा सर सिक्स मंथ कंसिस्टेंसी यानी छह महीने लगातार खरीदो सातवें महीने आपको प्रोडक्ट फ्री मिलेगा खरीदी की शुरुआत जनवरी 2023 से लेके मार्च 2023 तक कर सकते हो अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं ध्यान देना बहुत सारे लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं कंसिस्टेंसी में शामिल होना है ना तो जनवरी फरवरी मार्च तीनों महीनों में कभी भी हो सकते हैं पर सर जनवरी में जो शामिल होगा उसको जुलाई में कंसिस्टेंसी का फायदा मिलेगा फरवरी में जो शामिल होगा उसको अगस्त में कंसिस्टेंसी का मिलेगा और मार्च में जो शामिल होगा उसको सितंबर में मिलेगा क्लियर हो गया विनीत सर जी बिल्कुल सर इसके ती. तीन लेवल है कंसिस्टेंसी के सर सिंपल फार्मूला तीन लेवल है पहला है हजार रुपए का सामान फ्री दूसरा है दो हजार का सामान फ्री तीसरा है चार हजार का सामान फ्री और हाईएस्ट कितना है सर पांच हजार का हजार इससे ज्यादा फ्री सामान नहीं मिलेगा अब हजार वाले में कौन सामान फ्री मिलेगा जिन लोगों की परचेज पंद्रह सौ से लेकर चौबीस सौ निन्यानवे रुपए तक है लगातार अगले छह महीने सेल्फ पे सौ से कम है तो नहीं सर पंद्रह सौ से ऊपर मिनिमम अगले छह महीने चौबीस सौ निन्यानवे से कम है तो उनको एक हजार का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा अगर कोई व्यक्ति पच्चीस सौ से लेके चार हजार नौ सौ निन्यानवे तक की खरीदारी करता है लगातार छह महीने तो उसको दो हजार का सामान मिलेगा और कोई व्यक्ति पांच हजार से लेके नौ हजार नौ सौ निन्यानवे तक सामान खरीदता है तो उसको चार हजार मिलेंगे और कोई व्यक्ति दस हजार या उससे ऊपर खरीदता है अगले छह महीने तो उसको पांच हजार का सामान मिलेगा क्लियर हो गया सर क्लियर सर अब यह है आरसीएम के द्वारा दी गई कंसिस्टेंसी अब इस पे एक डबल धमाल है डबल धमाल क्या है जैसे कई बार दुल्हन आती है ना तो वो कोई गिफ्ट विफ्ट भी ले आती है घड़ी वड़ी भी ले आती है दुल्हन आती है वो दहेज भी ले आती है गाड़ी घोड़ा भी ले आती है ऐसे दुल्हन आई है ना तो न्यूट्री चार्ज वाले भी दहेज दे रहे हैं सर वो क्या बोल रहे हैं कि जो पंद्रह सो का परचेज कर रहे हो वो पूरा ही अगर आप न्यूट्री चार्ज से कर लेते हो तो एक हजार का सामान आरसीएम देगा एक हजार का सामान न्यूट्री चार्ज देगा छह महीने पंद्रह सो लगातार कोई न्यूट्री चार्ज से करता है तो कितना मिलेगा विनीत सर छह महीने लगातार कौन सा करता सर पंद्रह ना पंद्रह सौ न्यूट्री चार्ज से करता है तो कितना मिलेगा सर रुपए के सामान फ्री मिलेंगे दो हजार का एक हजार का एक हजार का न्यूट्री चार्ज अच्छा पच्चीस न्यूट्रीचार्ज से करते हैं तो चार हजार हो गया दो हजार दो हजार में के सर और पांच हजार करता है तो न्यूट्री चार्ज चार चार हजार में करके आठ हजार टोटल आठ हजार हो गया सर अब आप थोड़ा सा देखना सर पांच हजार पीवी लगातार करता है छह महीने तो तीस हजार पीवी होता है सर और आपको सामान मिलता है आठ हजार आठ हजार रुपए का सर आज तक के इतिहास में इतना पैसा कभी वापस नहीं दिया गया सर मुझे लग रहा है इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता सर हल्दी मिर्ची साबुन तेल कपड़ा जूता पेन पैं, पेंसिल प्लस हेल्थ का सामान अगर अपने को खरीदे उसमें सामान पे गिफ्ट मिले और गिफ्ट में स्वास्थ्य मिले और घूमने का मौका मिले विजय दिवस में शामिल होने का मौका मिले सर अभी नहीं तो कभी नहीं सर इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता सर अगर आप लिस्ट बना के प्लानिंग करें तो कितना भी बड़ा बिजनेस में धमाल किया जा सकता है थोड़ा और आगे चलते हैं सर ग्रोथ चाहिए तो लगातार कार्य करना पड़ेगा सर अगर किसी ने एक पत्थर पे सो चोट मारी और पत्थर टूट गया तो क्या लगता है पहली चोट ने कोई काम नहीं किया बीसवीं चोट ने कोई काम नहीं किया पचासवीं चोट ने कोई काम नहीं किया निन्यानवे चोट बाद भी नहीं टूटा सोवीं चोट चोट पे टूटा है इसका मतलब ये नहीं है सर कि पहली चोट ने काम नहीं किया हर चोट ने पत्थर को कमजोर किया है सर। हर चोट ने। लेकिन पानी की बूंद एक लगातार गिरती है ना टप 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 मजबूत से मजबूत पानी के टुकड़े को सर पत्थर के टुकड़े को दो भागों में कर देती है सर राजस्थान में कुएं होते हैं सर कुएं उनसे पानी निकालते हैं सर रस्सी से रस्सी कुएं की मुंडेर पे नीचे जाती है ऊपर आती है नीचे जाती है ऊपर आती है उस पत्थर पे निशान डाल देती है सर इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी सर करत करत अभ्यास होत सुजान रसरी आवत जावत, सीला परत निशान सीला पे भी निशान डाल देता है सर तो सर कंसिस्टेंसी एक ऐसी पावर है सर जो आपको आर्सियन बिजनेस में बहुत बड़ी ऊंचाई पे लेके जा सकती है सारे सपने पूरे कर सकती है सारी ग्रोथ के रिकॉर्ड तोड़ सकती है सर सर कभी आपने सपने में भी नहीं सोच मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा दस लाख रुपए महीना आएगा सर सर जब मैंने शुरू किया ना दो चार छ आठ दस ऐसे धीरे धीरे चलता था कभी जुड़ते थे कभी नहीं जुड़ते थे कभी लोग मजाक करते थे शुरुआत में लगता था यार पांच हजार भी आएगा नहीं आएगा आज सर दस लाख रुपए महीना आता है ये कंसिस्टेंसी की पावर है दोस्त कंसिस्टेंसी को यूज करें सर बिजनेस में ये जो है ना आपके पास में रामबान है सर कंसिस्टेंसी इसको बिजनेस में यूज करें सबसे पहले खुद करें फिर टीम से करवाएं डबल दमाल का बेनिफिट ले सर ये है सर। और क्या पता है सर? बहुत जरूरी है, है। अच्छा न्यूट्री चार्ज की लास्ट है, पता है भी सर? न्यूट्री चार्ज में कंसिस्टेंसी में शामिल होना है तो उसकी लास्ट डेट है इकतीस जनवरी सर जी। सर कंसिस्टेंसी में न्यूट्री चार्ज का डबल धमाल लेना है डायरी में नोट कर लीजिए जनवरी ही लास्ट है सर

तो हम बहुत सारे लोगों को इस ऑफर का पता ही नहीं है सर इकतीस जनवरी को ये ऑफर लास्ट हो जाएगा सर बहुत सारे लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं वो घड़ी वाली बात सर टिक टिक भागम बाग कर रहे हैं सुन ही नहीं रहे सर इसीलिए जोर नहीं लग रहा है सर। थोड़ा और आगे चलते हैं सर ये ये बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं सर इसमें नीचे नीचे लास्ट लास्ट लाइन में देखिए टोटल खरीदी हो रही है पच्चीस सौ पीवी से खरीदा एक हजार न्यूट्रीचार्ज से खरीदा पंद्रह सो तो टोटल कितना मिलेगा विनी सर लास्ट ही लास्ट जी सर यहाँ पर आ, दो हजार तो सर आरसीएम के हो गए आरसीएम की तरफ से दो सर। एक हजार सर ए, उसमें टोटल तीन हजार सर यानी पच्चीस सौ पीवी भी अगर हम खरीदारी करते हैं उसमें पंद्रह सो पीवी न्यूट्री चार्ज और हजार पीवी करते हैं अगर आरसीएम से तो तीन हजार रूपए का गिफ्ट मिलता है सर ऐसे ऑफर आज से पहले कभी आए नहीं है सर आपके सामने मौका है आपके सामने अवसर है धमाल मचाइए पच्चीस हजार पीवी करते हैं जो लोग आईएफसी क्लब में शामिल थे उनके लिए खास ऑफर किया है हाईएस्ट मिलता है लेकिन उनको दस परसेंट एक्स्ट्रा मिलेगा कितना मिलेगा सर पचास सौ डीपी का मिलेगा और एक साल लगातार अगर करते हैं तो दो रात और तीन दिन का डोमेस्टिक टूर मिलेगा पत्नी के साथ आप कहीं भी घूमने जा सकते हो स्विट्जरलैंड ये आप जा सकते हो सर सिलीगुड़ी जा सकते हो सर आप पनवल जा सकते हो सर है ना आपको माउंट आबू घुमाने के लिए लेके जा सकती है कंपनी की तरफ से सर अगर आप नहीं जाना चाहते तो दस हजार रुपए आप नगद में ले लीजिए स्टार डायमंड क्लब की पिन मिलेगी डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा एग्जीक्यूटिव बैग मिलेगा और अगर आप पचास हजार की खरीदारी करते हो तो, तो पिचपन सौ डिपिक का प्रोडक्ट मिलेगा विदेश भ्रमण के लिए टूर पे जा सकते हो सर बहुत सारे लोग थाईलैंड का टूर करके अब भी आए हैं सर अगर आप नहीं जाना चाहते विदेश में तो पचास हजार रुपये का प्रोडक्ट ले वो पचास हजार रुपये ले सकते हैं क्राउन क्लब की पिन और डिजिटल सर्टिफिकेट ले सकते हैं सर ये टर्म्स एंड कंडीशन है सर, सर। ना पे पे, पे उन सारी पिनों को इस टीम में बैठा हुआ हर व्यक्ति हासिल कर सकता है उसको हासिल करने के लिए ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं सर। पेड़ की जड़ों में पानी डालिए पेड़ पूरा हरा हो जाएगा ये जो महीना है ना सर जनवरी का इस जनवरी के महीने में भागना दौड़ना नहीं है डायरी पेन निकालिए जितने वाइटल एंड अबो है और जिनका ड्रीम है कोई आरक्ष में बड़ा काम करना चाहते हैं उनको जनवरी में क्या काम करना है वो बता रहा हूं सर सर आज से अभी से अभी धक्का लगा के ट्रेन को को स्टार्ट स्टार्ट नहीं नहीं किया जा नहीं किया जा जा सकता सकता प्लेन पर धक्का लगा के ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाता है कार स्टार्ट हो जाती है बाइक स्टार्ट हो जाता है इसका मतलब धक्का कहाँ लगाना है सर डेफ्थ में लगाना है एकदम नीचे सर हम पचास लोग मिलके बजरी से भरे हुए ट्रक को नहीं उतार सकते लेकिन एक मरियल से व्यक्ति को जैक दे दीजिए वो अकेला ट्रक को उठा देगा इसका मतलब क्या है सर हमें एकदम में छोटे लेवल पे काम करना है एकदम नीचे, एक नीचे से ऊपर लेके जाना है अभी अगले दिन जो दिन बचे हुए हैं ना सर जनवरी में इनमें क्या करना है पता है भी नीचे, सर? सर। नीचे से ऊपर बिजनेस की ग्रोथ करवानी है आज से पहले ऊपर से नीचे करवाते थे अब आप डेफ्त में उतर जाओ सर सारी ताकत नीचे डेफ्त में लगाओ नीचे वाइटल निकालो सर एकदम डेप्थ में नीचे सर और एक बंदा अगर आज कोई प्लानिंग करके लगे ना दो दिनों में वाइटल निकाली जा सकती है बीस हजार का बिजनेस किसी से भी करवाया जा सकता है इस थ्योरी पे काम करना है सर अगर ग्रोथ चाहिए नीचे बीस हजार फिर ऊपर वाले का चालीस हजार फिर ऊपर वाले का सत्तर हजार फिर ऊपर वाले का एक बीस और फिर ऊपर वाले का साढ़े तीन साढ़े तीन से ऊपर प्लानिंग नहीं करना है सर अगर बिजनेस में ग्रोथ करनी है और मार्च में बड़ा रिकॉर्ड कायम करना है आप चाहते हो अगले छह महीने रेगुलर आपको इनकम आए बिजनेस में ग्रोथ आए पैसा आए लीडर डेवलपमेंट हो जाए तो सर सारी ताकत इस बात पे लगा दो साढ़े तीन लाख से नीचे जो बिजनेस है ना उसकी डेप्थ में उतर जाओ एकदम नीचे डेप्थ में बीस हजार का बिजनेस जनरेट करो और सर इन बीच वाले लोगों के नई पिने निकालो वाइटल सर सब लोगों को बोलो लो अपनी बीलेग में भिट जाए सर एक नई पिनों का जखीरा खड़ा करो सर एक नई टीम नई ऊर्जा एक नई ताकत टीम में डालो सर एकदम नई ऊर्जा टीम में आएगी नए लोग डेप्थ में आएंगे ना सर वो धमाल मचा देंगे सर और नई कितनी भी निकाली जा सकती है सर घर पे जब नई दुल्हन आती है ना सर वो ऐसे चलती है छम सम सम छम चम, 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 चम। गुगरू की आवाज सर और थोड़ी पुरानी हो जाती है ना फिर वो ऐसे चलती है छम सम सम और थोड़े दिनों बाद धम धम अभी नई पिने निकालिए सर नई ऊर्जा लगाई है सर नए व्हाइट पिने ब्लास्ट किया जा सकता है सर एक एक आदमी अपनी टीम में कितनी पिने निकाल सकता है आप सोच ही नहीं सकते हो सर और जैसे ही आपके नीचे एक डेप्थ में पिन निकले उस पिल का सेलिब्रेट करो सर उसका उसका व्हाट्सएप पे फोटो डालो सर विनी सर उसकी फोटो डालो उसकी तालियां बजाओ उसका सेलिब्रेशन करो और सबको बताओ नीचे डेप्थ में पिन निकल गई जैसे ही नई पिन निकलेगी नई दुल्हन आएगी सर नई दुल्हन आती है ना पूरे गांव को पता चलता है सर डोल बजते हैं है ना लोग तालियां बजाते हैं लोग एक्साइटमेंट में आते हैं सारे ऊपर वाले नीचे देखेंगे क्या हुआ क्या हुआ अरे नीचे पिन आ गई वो नीचे वाली पिन फिर ऊपर वाली पिन को मोटिवेट करेगी और फिर दुले तैयार होते जाएंगे सर सर ये जो अगले दिन बचे हुए हैं ना इन अगले बचे हुए दिनों में छम चम छमाट की लाइन लगाई जा सकती है नई पिने सबकी भी लेग में जनरेट की जा सकती है वाइटल अचीवरों की धूम मचाई जा सकती है कितना भी ग्रोथ किया जा सकता है और इन्हीं वाइटलों में से है ना सर ग्रोथ पे जाएंगे बहुत सारे लोग और इन्हीं वाइटलो में से हो सकता है कोई महावीर सारण मिल जाए सर कोई जय नारायण मिल जाए सर कोई राजाराम सारण आपकी टीम में आ जाए कोई सुरेंद्र वत्स आपकी टीम में आ जाए कोई मुकेश कोठारी आ जाए कोई रवि शर्मा डाउनलाइन में आ जाए सर मोर प्लान मोर बिजनेस सर अगले जितने भी दिन बच्चे हुए हैं ना सर फील्ड में टूट पड़िए सर अच्छा प्लानिंग क्या है सर काम करने का तरीका बताता हूँ विनी सर एक एक रॉयल्टी अचीवर एक एक लीडरशिप अचीवर एक एक वाइटल अचीवर के साथ प्लानिंग करो एक वाइटल अचीवर की जूम मीटिंग करो काउंसलिंग करो फिजिकल मिलो और उसको बोलो तेरे नीचे वाइटल निकालना है अगले छह महीने में तेरे को टेक्निकल पे लेके जाना है एक वाइटल ने बीस लोगों के साथ प्लानिंग की आपके साथ एक वाइटल के नीचे अगर पांच नई वाइटल आपने निकाल दी वो वाइटल वाला रोयल्टी पे जाएगा कि नहीं जाएगा भी नहीं सर बिल्कुल जा सकता है सर सर वो जाएगा सर और वो मार्च में टेक्निकल खड़ा करेगा सर इसका मतलब क्या है पता है मार्च की बड़ी बिल्डिंग की नींव अभी भरी जाएगी सर अभी अभी राइट टाइम है सर यही मौका है अगले जो दस बारह दिन बचे हुए हैं ना उनमें फील्ड में नीचे टूट पड़ो आज सर तारीख हो गई है बीस दिन दिन वो कल हो जाएगी हैं इन दस ग्यारह दिनों में ना सर नीचे वाइटल पे भिड़ जाओ सारी टीम जितने लोग अपने जुड़े हुए हैं ना ये सारे अगर वाइटल पे भिड़ जाए सर कितनी भी बड़ी ग्रोथ लाई जा सकती है सर कितनी भी बड़ी ग्रोथ सर कोई लिमिट नहीं है ग्रोथ की सर इतनी बड़ी ग्रोथ जनरेट की जा सकती है इतना बड़ा नीचे डेप्थ में स्पार्क किया जा सकता है अगर प्रिंस भाई आज अगर फील्ड में उतर जाए तो प्रिंस भाई की टीम में अगले दस दिनों में कम से कम पचास नई वाइटल आ सकती है सर वाइटल का मतलब पता है क्या है नई नई ऊर्जा सर नया जोश पावर नए लीडर नया बिजनेस नया एक्साइटमेंट सुरेश सर अगर भिड़ जाए आज तो सर सुरेश सर की टीम में उड़ीसा में पचास से ज्यादा नई वाइटल पीने निकाली जा सकती है सर सुबोध जी हमारे बीच में है सर कोल्लापुर और उस इलाके में भिड़ जाए बीस से ज्यादा नई वाइटल पिनें निकाली जा सकती है सर वाइटल पिन तो किसी की भी निकल सकती है ना अगर आज आपके पास मान लो पांच लोग जो है आप उनके पास बैठिए आप उनको ये कंपनी का प्लान बताइए कि सर ये प्लान है कंपनी ढाई हजार रुपए पे ये अगले तीन महीने जो करेगा विजय दिवस में जाने का मौका मिलेगा प्रोडक्ट आपको लेना ही है घर का सामान वैसे भी टू बाई टू की फैमिली है पांच दस हजार का लगता है और ये, ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है सर एक नए पांच लोगों के साथ बैठ के प्लानिंग करोगे ना तो पांच के पांच सर तैयार हो जाएंगे और पांच नई वाइटल तैयार हो गई तो उसके ऊपर जो नया बंदा है वो डायरेक्ट लीडरशिप पे जाएगा कि नहीं जाएगा वा� लीडरशिप वाला रॉयल्टी पे रॉयल्टी वाला टेक्निकल पे सर ट्रेन के इंजन की रफ्तार पूरे डिब्बों की रफ्तार होती है सर सर एक लीडर की रफ्तार पूरी टीम में चेन रिएक्शन करेगी तो चेन रिएक्शन करने का ये मौका है ये माहौल है सर और ये जो मौका अपने को कंपनी ने दिया है ना कितना भी बड़ा बिजनेस किया जा सकता है मैं तो सुपर एक्साइटमेंट में हूं सर मैं कह रहा हूं प्रिंस भाई कल मेरी अपनी बीलेग में मीटिंग करवा दे सुरेश भाई अपनी बीलेग में मीटिंग करवा दे सुरेश भाई का बिजनेस पांच गुणा बीलेग में नहीं चला जाए मेरी गारंटी है सर पांच बिजनेस का नहीं चला खाना चाहता ऐसा कौन आदमी है फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं चाहता ऐसा कौन आदमी है, है जिसको सम्मान नहीं चाहिए इसका मतलब सबको चाहिए लेकिन हमारी प्लानिंग कमजोर है सर प्लानिंग मजबूत हो ना तो कुछ भी सर कुत्ते प्लान करके शेर का शिकार कर लेते हैं दोस्त कुत्ते प्लान करके सर अभी मौका है अपने पास में अवसर है सर कितना भी बड़ा बिजनेस किया जा सकता है अच्छा हमारे प्रॉब्लम पता है क्या है अच्छा इस दुनिया में है ना विनीश भाई पैसे की कमी नहीं है गाड़ी घोड़े की कमी नहीं है सर इनजोई की कमी नहीं है जितना चाहिए ना लोगों को उससे हजार गुना ज्यादा पैसा पड़ा है सर जितने हमें लोग चाहिए ना उससे हजार गुना ज्यादा लोग पड़े हैं सर टीवी पे सो चैनल होते हैं सर चलता कौन सा है पता है जो रिमोट से हम सेट करते हैं सर ये दुनिया हमारे रिमोट से चलती है जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे एक एग्जाम्पल देता हूँ थोड़ा मुस्कुराइए एक एग्जाम्पल देता हूं मजा आ रहा है नाराज कुत्ता कुत्ता समझते हैं प्रिंस भाई डोगी एक, एक, एक नाराज कुत्ता होता है वो बड़ा गुस्से में होता है ना एक शीश महल होता है वो भागकर शीश महल में घुस जाता है जैसे शीश में घुसता है चारों तरफ उसको दिखते अरे अरे बाप रे नाराज कुत्तों की फौज खड़ी है उखर और रा, कहाँ आ गया भाई कहाँ आ गया वो देखता सारे कुत्ते नाराज उसकी तरफ झाड़ भेज रहे हैं और वो तुरंत दुम दबा के बाहर निकलता है बाहर निकल के देखता यार बच गया दुनिया की सबसे खराब जगह में एंट्री कर गया बाल बाल बचा वहां से ओके पांच मिनट बाद दूसरा कुत्ता उसमें घुसता है वो आनंद वाला कुत्ता है मुस्कुराता हुआ कुत्ता है है ना संतुष्ट कुत्ता वो देखता यार ये क्या दुनिया है इतने संतुष्ट कुत्ते मैंने लाइफ में आज तक कभी नहीं देखे वो भी पांच मिनट बाद बाहर मजा आ गया ऐसी तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ जैसा आप सोचोगे करोगे वैसे लोग आपके साथ रिएक्ट करेंगे सर शिष्य के सामने जैसा आप एक्टिंग करोगे ना शिष्य वाला आदमी वैसा आपके सामने एक्टिंग करेगा सर ये दुनिया पैसे से भरी पड़ी है प्यार से भरी पड़ी है नफरत से भरी पड़ी है गालियों से भरी पड़ी है तारीफ से भरी पड़ी है आपका एंटीना किसको पकड़ता है सर वो एंटीने के लोग आपकी तरफ आएंगे सर वो एंटीने के लोग आपकी तरफ पीछे चले जाएंगे अगर आप लोगों का भला करना चाहते हैं अगर आप लोगों को ग्रोथ में लेके जाना चाहते हैं तो सर विजय दिवस की बड़ी प्लानिंग करें केवल खाली बातचीत नहीं सर मोबाइल में सारी जानकारी है सर लेकिन कभी मोबाइल स्टार रू थोड़ी बन सकता है जानकारियां होना अलग बात है और उन जानकारियों को जीवन में अप्लाई करना दूसरी बात है सर अगले दस दिनों में जो आपने सीखा है जो आपकी नॉलेज है जो आपकी योग्यता है जो आपकी टीम टीम है उसमें पूरी जानकारियों को डालो सर वाइटल की फौज खड़ी करो एक करो एक एक नई मिसाल कायम अपनी में नया जलजला पैदा करो एक नया तूफान पैदा करो सर अपनी टीम में गेम चेंजर बनो सर अपने रोल मॉडल खुद बनो लोग आप जैसा बनना चाहे ऐसा कुछ करो सर ये फिंगरप्रिंट है ना सात मिलियन की दुनिया में आप जैसे किसी के भी नहीं है इसका मतलब पता है क्या है सर आप जैसा दुनिया में कोई बंदा ही नहीं है आप जैसा कोई है ही नहीं तो सर फिर जब आप जैसा है ही नहीं तो फिर दुनिया की नकल क्यों कर रहे हो सर असल बनो ना सर अपनी कॉपी खुद बनो अपना बेस्ट वर्जन बनो अपनी स्किल अपनी योग्यता अपनी क्षमताओं को खींचो बाहर निकालिए सर सर बहाना और कामयाबी दोनों एक साथ नहीं रह सकती है सर या तो बहाना बना लो या कामयाबी मिलेगी इस कमरे में या तो अंधेरा रहेगा या उजाला रहेगा सर डिसीजन है आपका है सर हम गलती पता है क्या कर रहे हैं वो अरविंद सर अक्सर बोलते हैं ट्रैक्टर के आगे वाले टायर छोटे होते हैं पीछे वाले टायर बड़े होते हैं नॉलेज वाला पहिया बड़ा है एक्शन वाला छोटा है प्रिंस भाई नॉलेज वाला बड़ा है एक्शन वाला छोटा है इसीलिए ट्रैक्टर की स्पीड बीस तीस चालीस मर्स डीज के चारों टायर बराबर होते हैं मर्सिडीज के इसीलिए रफ्तार 300 की होती है सर जितना नॉलेज ले ना उतना फील्ड में डाल दो जितना नॉलेज ले ना फील्ड में डाल दो रफ्तार देखो आपकी सर अरे एक आंतकवादी छुप के हमला करता है पूरे हिंदुस्तान को हिला देता है हम तो खुले शान है हेलो खुले आंतकवादी है चाय yes. भी अगले yes. की नहीं है सर अगला का घर अगले का जगह है ना खुले शान है सर कितना भी किया जा सकता है दोस्त परमात्मा ने हमें मौका दिया है और मैं तो बड़ा गदगद महसूस करता हूं सर भाग्यशाली महसूस करता हूं हम एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं विनीत सर जो कंपनी हमें कह रही है कोई भी अचीवमेंट आप हासिल करो दो साल तक आप कभी भी अचीवमेंट ले सर सर दो साल तक अगर आप विजय दिवस नहीं जा सकते कोई बात नहीं इनोग्रेशन में नहीं जा सकते कोई बात नहीं दो साल तक सर कंपनी कितना केयरिंग एटीट्यूड रखती है।, हर आदमी के बारे में सोचती है कि हर आदमी सर व्यवसाय है परिवार है बच्चे है दो साल तक आपकी वैलिडिटी है सर अपने को मौका मिला है सर लोगों का जीवन बदलने का अवसर मिला है सर और सर मानव जन्म भाग्य से मिलता है और आरसीएम जन्म परम सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है और जिस टीम में आप काम कर रहे हो ना इस टीम में सं अति सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है सर आप भाग्यशाली सर आपकी टीम के जितने भी रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर है मैं गर्व करता हूं हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल ये टीम है और उससे भी ज्यादा मैं इस बात पे गर्व करता हूं कि मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे आप आप जैसे जैसे मुस्कुराते हुए लोगों के साथ महान आत्माओं के साथ काम करने का मौका मिला मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि आपने मुझे प्यार दिया मैं परम सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि आपका मुझे सानिध्य मिलता है प्यार मिलता है बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरी कोई बात बुरी लगी मैं माफी चाहूंगा हर हाल में हर काल में और हर माहौल में जो ग्रोथ करता है वही लीडर कहलाता है सर शादी वाली घोड़ी नहीं बननी है सर वो है ना तम टम वाली घोड़ी होती है सर उसके आगे बार बार डांस करो फिर चले फिर डांस करो फिर चले कुछ लीडर आरसीएम में ऐसे होते हैं जो शादी वाली घोड़ी बन चुकी है तम टम वाली घोड़ी है सर उनके आगे अपलाइन डांस करती है तो चलते हैं अपलाइन डांस करना बंद किया बैठ जाते हैं सर वो घोड़िया कभी इतिहास थोड़ी बदलती है सर सर लीडर तो वो होता है अपने दम पे चलता है है ना पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे लो और फील्ड में निकल जाओ दुनिया आपकी कामयाबी का जलवा देखना चाहती है दुनिया आपके नाम का जलवा देखना चाहती है आपका परिवार आपके माँ बाप आपके बच्चे आपकी आपकी अपलाइन और डाउनलाइन ये उम्मीद करती है कि जो भी आपका नाम है उस नाम का बंदा मेरे परिवार का गेम चेंजर बनेगा और अगर आप वास्तव में अपने परिवार का गेम चेंजर बनना चाहते हो तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए सर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मजबूत कंधों पे आती है कमजोर कंधों पे नहीं आती है सर और गरीब पैदा होना और गरीब मर जाना हमने ठेका थोड़ी छुटा रखा है पिनीस भाई पिछली दस पीढ़ियों ने गरीबी में जीवन जिया है अभी सर विद्रोह कर दो सर कि गरीबी में नहीं मरेंगे सर पीछे की दस पीढ़ियों ने जो किया वो किया हमारा बच्चा ये नहीं बोलेगा मैं गरीब बाप की औलाद दू हमारा बच्चा ये बोलेगा मैं अमीर बाप की औलाद दू ये संकल्प आज हमें लेके जाना है कितने लोग ये संकल्प ले सकते हैं कि सर गेम चेंजर बनेंगे परिवार की स्थिति को बदल के जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े आपसे मिलकर अच्छा लगा बहुत बहुत धन्यवाद सर एक दो लोगों से बात हो जाए तो बढ़िया सर किसी से करवाना चाहेंगे प्रिंस भाई सुबोध जी होंगे राजेश जी होंगे बहुत सारे लोगों से मैं मिल नहीं पाया हूँ काफी दिनों से रविंदर जी, जी, जी होंगे अगर बात करवाना चाहे सर वेलकम जी सर बिल्कुल सर और सबसे पहले तो मैं पूरे सभी लोगों की तरफ से एक बार सर आपके लिए जोरदार तालीम चाहता हूँ कि गुरुदेव आज आपने बहुत बढ़िया तरीके से हम सबका मार्गदर्शन किया और ना केवल इस टारगेट को लेकर के सभी का स्पष्टीकरण हुआ पूरे तौर से आपने बड़े एग्जाम्पल दे दे के सर आपने हर हाँ चीज क्लियर की तो सबसे पहले तो रास्ता क्लियर होना जरूरी और वहां पे जाना कैसे है ये भी आपने सर बताया और बहुत गजब तरीके का आज बोला और मैं चाहता हूं कि जैसा आपका आदेश है सर कि जो यहाँ पे टेक्निकल अचीवर्स है उनसे हम आपकी बात करवाने का प्रयास कर रहे हैं इस कड़ी में संतोष देवता सर हमारे साथ होंगे संतोष देवता सर आपसे मेरा निवेदन है अगर आप कुछ अपने विचार रखना चाहें तो आपका स्वागत है संतोष देवता सर और जी संतोष सर आवाज आ रही सर आपको शायद कुछ उनका नेटवर्क इशू हो सकता है आगे बढ़ता हूँ राजेश सर हम लोगों के साथ है राजेश सर आपको ऑप्शन दिया मैंने सर जार से हम सर जी आज की मीटिंग तो बहुत कमाल की रही एक्चुअली बहुत सारे टारगेट की हम लोगों ने मीटिंग देखी थी लेकिन उतने क्लियर नहीं हुए थे बहुत सारे डाउटें दिमाग में हो रही थी लेकिन आपने इतने सिंपल तरीके से बताया कि किस तरीके से वहां पर एंट्री होगी स्टेज पे किनका सम्मान होगा तो बहुत सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई और ये भी पता चला कि इनको किस तरीके से करना और कैसे बड़े रिजल्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है तो बहुत कमाल का रहा सर और आपके मीटिंग से तो मैं बोलता हूँ कि आने वाले दस दिन में बहुत बड़े रिजल्ट खड़े होंगे सर क्योंकि छोटे छोटे स्टेप पे आपने जो जानकारी दी उसको इम्प्लीमेंट करके बहुत बड़ा बढ़ाया जा सकता है राजेश सर अगले दस दिनों में कितने वाइटल पिनों का टारगेट ले रहे हो कितने नए निकाल लेंगे सर नए ये सर वाइटल कम से कम नए सर बीस के करीब निकालेंगे सर ट्वेंटी लोगों की निकालेंगे जान जाए पर वचन नहीं जाए सर श्योर, श्योर सर श्योर करेंगे सर यस yes, <laughs> वो एक फिल्म आई थी ना सर साला झुकेगा नहीं <laughs> श्योर। <laughs> श्योर सर। बहुत शानदार बहुत बढ़िया धामचंद रामूला सर एक साथी हमारे साथ में उनको मैंने एडमिट ऑप्शन दिया है जी सर रामूला सर जी गुरुदेव जय हरसिम सादर प्रणाम सर और आज गुरुदेव ने जो है वास्तव में वो करंट वाले तार पैदा कर दिए जिसमें कपड़े ना सुखा के जो है लोगों की किस्मत बदलते हैं और उजाला पैदा करते हैं तो निश्चित रूप से सर आपने आज और डीप में जो जाके जो है हमें और बारीक जानकारी दे दी है और निश्चित रूप से सर कम से कम कोशिश करेंगे सर की बीस तीस चालीस लोगों को जो है वाइटल पिन पे लेके आएंगे और आगे ग्रोथ के साथ बढ़ाते चले जाएंगे थैंक यू सर ओवर टू यू नमस्कार बहुत बढ़िया सर और अभी हमारे साथ प्रिंस सर जुड़े हैं प्रिंस सर आपका स्वागत है सभी साथियों को नमस्कार और गुरुदेव को स्पेशली नमस्कार जय हर सर सर आपने आज हम लोगों का बीच में आने का बाद और क्या बोलेंगे सर इतना आप एनर्जी भर दिए सर जो कि आज 19 तारीख तक जितना काम नहीं हो पाया ये 100 परसेंट सर गारंटी है 10 दिन में उससे डबल होगा एकदम 100 होगा सर <laughs> जी सर जो कहते हैं वही करेंगे एकदम एक बताए ना में जाके वो कुछ बातें नहीं सुनना है किसी का जैसे कि जो टारगेट है अभी आर का या न्यूट्रीज का एक तो पंद्रह सौ बीवी वाला और ढाई हजार वाला इसके ऊपर बहुत काम करते है छोटा छोटा टारगेट देके क्योंकि इजी हो जाता है लोगों को सर बारी बारी में जाके समझाते हैं कि आरसीएम में दो, मतलब दो हजार कम से कम बाईस साल में जो कि कभी हुआ नहीं जो इस बार हुआ है ऐतिहासिक है क्योंकि जो है अभी तो देखो तो हम लोग परचेस करने के बाद जो चीज हम लोगों को तो मिल मिल रही रहा है प्लस इतना धमाल दे रहा है न्यूट्रिया दे रहा है लोगों को जाके हम लोग पूरा क्लियर करते हैं उसको कितना समझ में आया फिर उससे हम लोग फीडबैक लेते हैं सर आप विश्वास नहीं कीजिए जो मतलब घर के लिए कुछ परचेस कर रहा था पांच सौ बीबी हजार बीबी उसको थोड़ा बढ़ाने लगा शुरू किया तो ए लो ये थोड़ा लो उसका मतलब लीज बड़ा कर लेते हैं सर थोड़ा इधर फ्री दिखा गए क्योंकि लोगों भी। का हर टाइम दिखाई बता रहा था ना फ्री एक ऐसा चीज है ना तुरंत लोगों का मतलब एक प्रभावशाली होता है छोटा 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 प्रिंस भाई मीटिंग करो एक एक आदमी की और उसके नीचे नई पीनी खड़ी कर दो तो उसका भरोसा बढ़ा हो जाएगा और भरोसा जीत जाता है सर एकदम एकदम हंड्रेड परसेंट गुरुदेव नए नए पिन को ला, लाएंगे और विजय देवी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहाँ पे मतलब क्वालिफाई कराएंगे सर पचास लोग पचास लोग चाहिए प्रिंस भाई के पचास लोग कम से कम हंड्रेड परसेंट गुरुदेव आप है हम लोग का साथ आपका आशीर्वाद है तो हंड्रेड परसेंट होगा एकदम ग्रेट बहुत बढ़िया और पक्का करना है बिल्कुल सर के सामने बोला तो पत्थर की लकीर होना चाहिए ना बहुत हमारी शुभकामनाएं आपके लिए आगे बढ़ता हूँ और हमारे साथ सी एस चौहान सर अगर वो बात करना चाहेंगे सर आपका स्वागत है जी सर बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव को प्रणाम जे आर सी एम आज तो गुरु ने हमें अनयूज प्रोडक्ट से यूज प्रोडक्ट की तरफ प्रेरित किया और यूज प्रोडक्ट की एक बड़ी चेन खड़ी होगी और सर शादी वाला घोड़ा जो हम बने हुए थे वो शादी वाला घोड़ी नहीं रहेंगे अब एक बेलगाम घोड़ी बनेंगे और सफलता के वो हर ऊंचाई पर छुएंगे आपने बहुत क्लियरली बहुत ही क्लियरली ये ऑफर्स क्वालिफिकेशन पात्रता क्या है और कंसिस्टेंसी प्लान क्या है डबल धमाका क्या है ये सब क्लियरली आपने समझा दिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका और निश्चित रूप से पिन जो वाइटल पिनस हैं थर्टी से ऊपर ही रहेंगी और आश्चर्यजनक न्यूज आपको थर्टी फर्स्ट जनवरी को निश्चित रूप से मिलेगी सर बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत है आज yes, तो सभी साथियों को यहाँ पर दिल से बहुत सारा प्यार और जितने भी साथी हैं जय हर सिम सभी को और गुरुदेव को स्पेशली दिल से नमन है क्योंकि आज महावीर सर जी जितने एनर्जी के साथ में उन्होंने जो आज हमें एनर्जी दी है और जितने लगन से दिल से जो जोश और जुनून के साथ में ये एहसास कराने की प्रयास की है मुझे लगता है कि अगर ये आज के दिन में अगर हमने इसको जिंदगी में आज दस दिनों का जो बचा हुआ टाइम अगर हमने प्रॉपर सही तरीके से यूज किया ना सर बिल्कुल ही ये चीज होगा तो सर आपने जो एनर्जी दी है इसके सौ परसेंट मैं लगाऊंगा ही लगाऊंगा और ऑलरेडी हमने डाटा निकाल करके हर तरीके से हर अचीवर्स को लेकर के हमने डाटा को भी सेंड किए हैं उनके साथ में काउंसलिंग भी हुई है आप उनको फॉलोअप करने के लिए भी हमने बताया कि इस तरीके से आप जो जो छूट रहे हैं इनको आप फॉलो अप करो जिससे हमने काम को डिवाइड कर रहे हैं सर और निश्चित तौर पे आज की मीटिंग में जितने सारे लोग आए होंगे सर गुरुदेव आपको मैं बता रहा हूँ आज आपने पूरी एनर्जी पूरी जोश वाली और जुनून के साथ में आपने जो एहसास कराने की प्रयास किया ना सर जान लगा देंगे सर ये तो हमारी पक्का है थैंक यू सर जय आर्शीद थैंक यू जय आर्शीद हम लोगों के बीच में सुबोध जी सर हैं सुबोध जी सर आपका स्वागत है अगर आप बात करने में कंफर्टेबल हैं तो प्लीज धन्यवाद सर जय आर्शीद गुरुदेव महावीर सर को मेरा सादर प्रणाम और सर जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत सर आज का जो ऐसा धमाल वाला मीटिंग हुआ तो सर आपका तो जब भी मार्गदर्शन हम लोग को मिलता है तो सर बिजनेस में तो धमाका होता ही होता है सर और आज तो सर कुछ गजब ही हो गया सर आपने सर जो जानकारी दी आज हर चीज के बारे में जो ऐसी क्लियर जानकारी दी जैसे कंसिस्टेंसी हुआ चाहे विजय दिवस के बारे में हुआ सर एक एक नए साथी को भी सर क्लियर हो गया होगा सर बहुत बहुत का बात है सर कमाल करेंगे सर और कम से कम 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 से कम न्यू की अगर बात करें सर तो 25 उंगली पर करके सर जरूर इस में जनवरी के महीना में थर्टी फर्स्ट तक कम से कम 25 वाइटल होगा ही होगा सर इसमें कोई डाउट नहीं है सर बहुत बड़ा धमाल होगा सर कमाल होगा सर इस बिजनेस में कम से कम दिसंबर से अगर ग्रोथ के बारे में बिजनेस के ग्रोथ के बारे में अगर हम बात करें सर तो कम से कम जो आपने सर बताया कम से कम पांच गुना ग्रोथ करके ही रहेंगे सर जान लगा देंगे सर जितना भी होगा पूरी जिम्मेवारी लेंगे सर पूरी टीम की और जहां तक होगा जैसा आपने सर बोला जड़ में सर ताकत लगाना है वैसा जड़ से बाइटल निकालेंगे और ऊपर तक बाइटल का लाइन लगाएंगे सर धन्यवाद गुरुदेव जय हर सिंह बहुत शानदार बहुत बढ़िया जी बहुत धन्यवाद सुबोध सर और सर गुरुदेव आज आपने जो भी हम लोगों के बीच में चीजें दी हैं निश्चित तौर पे यहाँ बैठे हर साथी का इरादा जो था वो पहले जो था और अब बहुत कुछ बड़े लेवल पे हो चुका है एक तो सर आपने जो मार्ग प्रशस्त किया क्योंकि पहली बात तो ये है कि जब तक कोई अज्ञानता का जहां पर कोहरा छाया होता है तो वहां पे आगे बढ़ने का रास्ता लोगों को नजर नहीं आता लेकिन पहला आपने काम ये किया सर कि आपने ज्ञान की ऊष्मा से आपने वो कोहरा हटाया और वहां से हम लोगों को स्पष्ट तौर पे टारगेट सभी लोगों को क्लियर हो गए ये पहली एक बड़ी चीज हुई जो हर टारगेट हर साथी को अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो गया तो जब मार्ग का पता चल जाता है तो फिर वहां तक पहुंचने का अपने मार्ग और रास्ता भी बता दिया कि क्या क्या हम लोगों को करना है तो जड़ों में पानी दे करके बहुत बड़े फलदार वृक्ष को पिनों के वृक्ष को हम सब खड़ा कर सकते हैं ऐसा आपने एहसास करवाया और आज आपकी मीटिंग से हम सब लोगों के अंदर के उस लीडर को भी बाहर निकाला और आपने हम सबको आज ये एहसास करवा दिया है कि दरिया है हम हमें अपना हुनर मालूम है दरिया है हम हमें अपना हुनर मालूम है जहां से भी गुजरेंगे वहीं से रास्ता हो जाएगा और ये आपने आज हम लोगों को एहसास करवा दिया सर हम सबके अंदर के उस कामयाब व्यक्ति को आज बाहर निकालने का आपने सर काम किया है तो पूरी टीम की तरफ से सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और सर जो आज आपने हम लोगों को सिखाया है तो निश्चित तौर पर ये सारी की सारी टीम हम सब मिलकर कमिटमेंट करते हैं कि सर आपने जो हम लोग को आज यहाँ पे ज्ञान दिया है मार्गदर्शन दिया है हम सब लोग अपने काम से अपने एक्शन से और अपने टारगेट लेकर के प्लानिंग के ऊपर पूरे तौर से ऐसा जुटेंगे कि इसी जनवरी महीने में बहुत सारी पिनों की बाढ़ ला करके आपको गुरु दक्षिणा लेने का आज हम सभी साथी संकल्प करते हैं हमारे साथ जितने साथी तैयार हैं वो अपने हाथ को उठाएंगे और सर को यहाँ पर हम सब आज ये वादा करते हैं कि कुछ बड़ा नजारा इसी जनवरी से होगा और अब कुछ धमाल होगा सर अब कुछ इतिहास रचा जाएगा क्योंकि जिसके साथ आप हैं फिर चिंता की क्या बात है तो बहुत बड़ा नज़ारा सर मिलके हम लोग करेंगे पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत सर हृदय तल से बहुत बहुत आभार बहुत बहुत शुक्रिया सर हम सबका मार्गदर्शन देने के लिए और सभी साथियों का भी यहाँ पे बहुत बहुत, बहुत आभार कि आप सब ने यहाँ पर उपस्थिति के साथ इस मीटिंग को सफल बनाया और हम सब मिल करके कुछ अब बड़ा इतिहास रचने वाले हैं बहुत बड़ा नज़ारा होने वाला और उसकी शुरुआत अगले पलों से ही होने वाली है ये दस दिन हम सबके लिए बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं तो इन दिनों में ना हमें खुद सोना है ना किसी को सोने देना है और कुछ बड़ा नजारा बनाना है बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू सो मच सर थैंक यू सर लक्ष्य लेके काम करें सर लक्ष्य न अवजल होने पाए कदम मिलाके चल सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल इसीलिए लक्ष्य बनाइए और तमाम लोगों का बहुत-बहुत आभार कोई बात बुरी लगी है तो माफी चाहेंगे हर हाल में आपकी कामयाबी चाहिए एक बार मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ यस आई कैन डू बोलेंगे सर और आज के प्रोग्राम में मुझे भी थोड़ी एनर्जी आपसे चाहिए